को नमस्कार। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाद में आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें एक बार शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा मेन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख रहा हूं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, जल्दी जल्दी आप आंसर बताते चलिए। राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर, जैसलमेर, माउंट आबू या चूरू? राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला जिला कौन सा है, आपको यह बताना है। अगर बात चल रही है तापांतरण की तो हम तापमान की भी बात कर लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं तापमान की बात करता हूं तो आप ये बताइए राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना है, कि राजस्थान का औसत वार्षिक, राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। रट्टा मार लेना 37-38, बरसात पूछे राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत पूछे तो 57-58, लेकिन अगर टेम्परेचर पूछे तो 37-38। फिर उसके बाद में कि राजस्थान के सबसे गर्म महीने कौन से हैं, राजस्थान के सबसे गर्म महीने हैं मई जून, गर्म महीने हैं मई जून। राजस्थान के सबसे ठंडे महीने कौन से हैं, राजस्थान के सबसे ठंडे महीने हैं दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान है 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म महीने मई जून है, ठंडे महीने दिसंबर जनवरी है। एक और बता देता हूं, अगर कोई आपसे पूछे कि गर्म समय बताओ, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्म समय कब रहता है और ठंडा या कम तापमान कब रहता है, कम तापमान, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बता रहा हूं, कि अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा तापमान किस समय रहता है और ठंडा कम तापमान किस समय रहता है, तो साय 3 बजे, अगर कोई पूछे साय 3 बजे तो ये रहता है सबसे ज्यादा तापमान, और सुबह के बारे में अगर आपसे पूछे तो सुबह 5 बजे रहता है कम तापमान। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म महीने मई जून, ठंडे महीने दिसंबर जनवरी, गर्म समय पूछ ले तो शाम का यानी दोपहर के बाद का 3 बजे, और अगर पूछ ले कि कम तापमान तो सुबह 5 बजे। प्रश्न था सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला बताइए, तो राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला स्थान ए, ए का मतलब है डूंगरपुर। बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर रहे हैं यहां पर, राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला, कम पूछा है रे कम। कुछ विद्यार्थी चूरू बता रहे हैं, वो तो ज्यादा है। आपको यह भी पता है ना कि डूंगरपुर की बात करेंगे तो करक रेखा के ऊपर अगर बात करूं तो करक रेखा की कम लंबाई राजस्थान के किस जिले से है, डूंगरपुर से है। करक रेखा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला, करक रेखा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे डूंगरपुर है। राजस्थान में जैसलमेर की बात करें, अगर जैसलमेर की बात करेंगे तो बताइए इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला, राजस्थान में कम वर्षा वाला अगर कोई जिला पूछे तो कौन सा है, जैसलमेर है। राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा जिला अगर कोई पूछे तो कौन सा है, जैसलमेर है। कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, और सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला, बहुत अच्छा प्रश्न है, सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला अगर कोई पूछे तो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतरण वाला जिला जैसलमेर है, कम दैनिक तापांतरण वाला जिला पूछ ले तो डूंगरपुर है। फिर उसके बाद में राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला स्थान, कम दैनिक तापांतरण वाला स्थान, तापांतरण वाला स्थान अगर पूछे तो माउंट आबू। अब जो आप चूरू का नाम ले रहे हो इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, कि सर्वाधिक गर्म जिला राजस्थान का, राजस्थान का सबसे ज्यादा गर्म जिला पूछे तो चूरू, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी पूछ ले तो कौन सा है, तो भी आप कहेंगे चूरू, और सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला स्थान, सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला अगर कोई स्थान पूछे तो भी कहेंगे चूरू है। बहुत कुछ है सीखने को, बात आप पर है कि आप कितना सीख पाते हो। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म महीने मई जून है, ठंडे महीने दिसंबर जनवरी है। गर्म समय अगर पूछ ले तो 3:30 बजे का है, ठंडा समय पूछ ले तो अपने कहेंगे सुबह 5 बजे का।
फिर उसके बाद में कि राजस्थान की बात करता हूं तो सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जैसलमेर है, कम दैनिक तापांतरण वाला डूंगरपुर है जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला स्थान चुरू है, कम पूछ ले तो माउंट आबू है, कम पूछे तो माउंट आबू है। एक बार ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता लग जाए कि भाई क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। निम्न में से मानसून में प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? अक्टूबर से नवंबर है, मार्च से मध्य जून है, मध्य जून से सितंबर है, नवंबर से फरवरी है। बताइए बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर देख रहा हूं सबसे पहले कौन बता रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन बता रहा है ये देख रहा हूं मैं। एक बार ग्रुपों में शेयर जरूर करके आइए, आंकड़ा कम नहीं रहना चाहिए। मानसून में प्रत्यावर्तन का समय, अगर मैं कहूं अक्टूबर नवंबर का जो महीना है ये साइबेरियन सार्स जो है, आपने नाम सुना होगा कि साइबेरियन सार्स कौन से राष्ट्रीय उद्यान से नाम जुड़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कब आता है? अक्टूबर नवंबर में आता है। साइबेरियन सार्स भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अक्टूबर नवंबर में आता है। और ये वापिस कब जाता है, अगर कोई पूछे वापिस कब जाता है तो आप कह देना मार्च अप्रैल में जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको कि साइबेरियन सार्स अक्टूबर नवंबर में आता है, केवलादेव के अंदर वापिस जाता है मार्च अप्रैल में। और आपको पता होगा कि सर्वाधिक जो ओलावृष्टि है ना वो भी मार्च अप्रैल में ही होती है। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कौन से महीनों में होती है? मार्च अप्रैल में होती है। सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला बताओ कौन सा है, तो आप कह देंगे जयपुर सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है। तो आंसर क्या है इसका, अक्टूबर से नवंबर का जो मौसम है वो मानसून में प्रत्यावर्तन का समय कहलाता है। बिल्कुल सब सही बता रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर का समय है वो मानसून में प्रत्यावर्तन, या मैं कह दूं लौटता मानसून, या मैं कह देता हूं लौटता मानसून का ये समय होता है। और लौटता मानसून कहां पर बरसात करता है? तमिलनाडु में बरसात करता है। लौटता मानसून सर्वाधिक वर्षा कहां पर करता है? तमिलनाडु में करता है। अक्टूबर नवंबर का जो महीना है ना ये गोडावन का प्रजनन काल भी है। वो शानदार प्रश्न बता रहा हूं कि गोडावन का प्रजनन काल, प्रजनन का जो समय माना जाता है वो भी अक्टूबर से नवंबर। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वही गोडावन है जो राजस्थान में तीन जगह मरुद्यान तोरसन और सुंकलिया में देखा जा सकता है। तो ये गोडावन का भी प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। और इसके साथ देखिए मार्च से जून की बात करते हैं कि मार्च से जून की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून का मौसम होता है ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। मध्य जून से सितंबर वर्षा ऋतु, मध्य जून से सितंबर का मौसम तो वर्षा ऋतु का होता है। और नवंबर से फरवरी शीत ऋतु का समय होता है, शीत ऋतु का समय होता है। हर पर्सन हर लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कितना अच्छा याद कर सकते हैं, बस वो आप देख लीजिए। राजस्थान के सर्वाधिक गर्म महीने पूछ ले तो मई जून है, ठंडे महीने पूछे दिसंबर जनवरी है। मानसून में प्रत्यावर्तन का समय अक्टूबर नवंबर है, या मैं कह दूं गोडावन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर है। साइबेरियन सार्स राजस्थान में केवलादेव के अंदर अक्टूबर नवंबर में आता है, अक्टूबर नवंबर में आता है और वापिस जाता है मार्च अप्रैल में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, जैसलमेर, कोटा या जोधपुर? जल्दी जल्दी बताइए सबसे कम आर्द्रता वाला। सांचौर से प्रणाम जी, प्रणाम एवी एजुकेशन, विकास रॉयल, सभी को धन्यवाद। बस अपने ग्रुपों में शेयर करिए, सैंडी वर्मा अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करिए। आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए, तीन का आंकड़ा कम नहीं चलेगा भी, बिल्कुल भी। एक बार शेयर करके आइए, जो सो रहे हैं उनको जगाइए। अगर मैं बात करूं आर्द्रता की, आर्द्रता मापी यंत्र होता है कौन सा? हाइग्रोमीटर। ऐसे आर्द्रता ऐसे अगस्त में सबसे ज्यादा होती है, आर्द्रता सबसे ज्यादा अगस्त में होती है और सबसे कम आर्द्रता तो अप्रैल में होती है। सबसे कम आर्द्रता अप्रैल में होती है, सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त में, कम अप्रैल में। सर्वाधिक आर्द्रता वाला अगर कोई स्थान पूछ ले, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान तो है भैया माउंट आबू। और अगर कोई पूछे कम आर्द्रता वाला स्थान तो आप कह दो फलोदी जोधपुर। देखिए वापिस रिपीट कर रहा हूं, सर्वाधिक आर्द्रता कहां?
पे होती है, सबसे ज्यादा आर्द्रता अगस्त में होती है, कम अप्रैल में होती है, दोनों ऐसे है, ऐसे आर्द्रता, ऐसे अगस्त, ऐसे अप्रैल, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है माउंट आबू, कम आर्द्रता वाला स्थान है फलोदी। अब उसके बाद में कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे झालावाड़ है। और राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी अगर कोई पूछे तो झालावाड़, जहां बरसात ज्यादा वहां आर्द्रता ज्यादा, जहां बरसात कम वहां पे आर्द्रता भी कम। तो अब कम आर्द्रता वाला जिला पूछा है आपसे तो आप कहेंगे जैसलमेर, और ये ही सबसे कम वर्षा वाला जिला भी है, सबसे कम वर्षा वाला जिला भी है। अरे सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला अगर कोई पूछ ले आपसे संभाग कौन सा है तो आप कहेंगे कोटा। और कम आर्द्रता वाला संभाग, कम आर्द्रता वाला अगर कोई संभाग पूछ ले आपसे तो आप कहेंगे जोधपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, कोटा। कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर। उसी को जोड़ के आर्द्रता बना लो, काम चल जाएगा। दिलीप, अशोक गोठवाल, मनप्रीत कौर, सुधीर बेनीवाल, परमीला, जल्दी जल्दी आंसर जरूर बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा मानसून प्रवेश करता है, आपको यह बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून आता है। जल्दी जल्दी आप बताइए कि भूमध्य सागरीय मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, कौन सा मानसून राजस्थान में सबसे पहले आता है। एक बार जो लाइक देख रहा है वो सबसे पहले तो लाइक ठोक दो, उसके बाद में आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर करके आओ। अगर आपको ये रखना है कि भाई ये चलनी चाहिए तो रेगुलर करने के लिए एक बार शेयर जरूर करके आए। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की कच्छ की खाड़ी से कितनी दूरी है, तो राजस्थान की कच्छ की खाड़ी से दूरी है 225 किलोमीटर। राजस्थान की खंबात की खाड़ी से कितनी दूरी है, तो राजस्थान की खंबात की खाड़ी से दूरी है 275 किलोमीटर। राजस्थान की अरब सागर से कितनी दूरी है, तो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। अरब सागर से दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर है। और राजस्थान की बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी है, तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर है। राजस्थान के सबसे निकटतम, फिर दूर 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 याद रखना हो तो पहले क्या याद रखेंगे, क, फिर रखेंगे ख, फिर रखेंगे ए, और ए के बाद आता है ब। अब बता दो कि सबसे निकटतम कच्छ की खाड़ी, फिर खंबात की खाड़ी, फिर अरब सागर, फिर बंगाल की खाड़ी, याद तो हो ही सकता है, काम मुश्किल है। तो राजस्थान में सबसे नजदीक अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी, आप कहोगे सर नजदीक तो अरब सागर है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा मानसून आएगा। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा मानसून आएगा, तो आप कहेंगे अरब सागर का मानसून आएगा। अरब सागर का मानसून का प्रवेश द्वार अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे बांसवाड़ा आएगा। अरब सागर का प्रवेश द्वार पूछे तो बांसवाड़ा आएगा। और ये अधिक बरसात नहीं कर पाता, अधिक वर्षा नहीं कर पाता, क्योंकि ये अरावली के पश्चिम में समानांतर निकल जाता है, क्योंकि ये अरावली के पश्चिम में समानांतर निकल जाता है। आपसे तो यही प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात कौन सा करता है, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। राजस्थान में सर्वाधिक अगर कोई पूछे वर्षा कौन सा मानसून करेगा, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून करेगा। फिर अरब सागर का राजस्थान में बरसात क्यों नहीं कर पाता ये पूछेगा, तो आप कहेंगे क्योंकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समानांतर निकल जाता है, इसलिए राजस्थान में अरब सागर का जो मानसून है वो अधिक बरसात नहीं कर पाता। अब बात करते हैं भूमध्य सागरीय मानसून, सर्वप्रथम राजस्थान में कौन सा मानसून प्रवेश करता है, तो इसका आंसर हो गया अरब सागर। क्लियर होगी बात, देखो इसको यहां से भी तो याद हो रहा है ना कि ये 400 किलोमीटर है और ये 2900 किलोमीटर है, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, क्लियर सी बात है। भूमध्य सागरीय मानसून की बात और कर लेते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं अपने, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए भूमध्य सागरीय मानसून, जिसे पश्चिमी विक्षोभों का मानसून भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभों का मानसून भी कहते हैं, क्लियर है। भूमध्य सागरीय मानसून से जो बरसात होती है उसको क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। प्रश्न तो घूम फिर के एक ही आना है कि मावट क्या है, तो आप कहेंगे भूमध्य सागरीय मानसून की वर्षा मावट है, पश्चिमी विक्षोभों की बरसात मावट है। रबी की जो वर्षा है, रबी की जो वर्षा है वो भी क्या है, मावट है। गेहूं के लिए जो लाभदायक है, गेहूं के लिए जो लाभदायक है वो भी मावट है।
या मैं यहां पे लिख दूं कि सर्दियों की जो बरसात है, सर्दियों की जो बरसात है, सर्दियों की जो वर्षा है उसको भी हम क्या कहेंगे, मावठ है। तो राजस्थान में भूमध्य सागरीय मानसून से होने वाली बरसात को मावठ कहते हैं। पश्चिम विक्षोभों की बरसात मावठ है, रबी के लिए मावठ है, गेहूं के लिए मावठ है, दिसंबर जनवरी की मावठ है, या मैं कह दूं सर्दियों की बरसात है वो भी मावठ है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो बरसात होती है वो भी मावठ ही है। पहले मानसून अरब सागर का आता है, ज्यादा बरसात बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने दक्षिणी राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, AW, BW, HW, BS, HW या CWG? जल्दी जल्दी आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। संजू जोया, सुखमन, बताइए 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 बताइए, संजू जोया, सुखमान, मनीषा सैनी, सनीता, सुनीता, अनिल कुमार सेडी, सेंडी वर्मा, रमेश चौधरी, उदय चौधरी, विजय चौधरी, कुसुम खन्ना, शारदा जिनागर, माया समरिया और रमेश कुमार उग्रसेन भादू, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं कहूं कि कोपेन ने जलवायु का मेन आधार जो माना वो किसको माना, एक प्रश्न आता है सीधा कि मुख्य जो आधार इसका माना था इसने, मुख्य आधार किसको माना था, तो आप याद रख लो वनस्पति को माना था। मुख्य आधार किसको माना था, वनस्पति को। देखिए राजस्थान का अगर नक्शा आपको याद है, राजस्थान का अगर नक्शा याद है, एक रफली में बता रहा हूं, तो आप ये बता दीजिए सीधा सा हिसाब है कि राजस्थान के लिए अगर हम बात करें, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां वाला, इसके लिए तो इसने क्या शब्द यूज किया था, BW HW। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें इधर वाला जो क्षेत्र था, इसके लिए क्या शब्द याद किया, BS HW। और ये जो दक्षिणी भाग है इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया था, दक्षिणी भाग के लिए AW। और क्रिकेट खेलते हैं पूर्व में मैदान में, तो वहां पर क्या है, CWG। अब ये देखिए कि पूर्वी राजस्थान के लिए अगर कोई पूछे, पूर्वी राजस्थान के लिए CWG आ जाएगा, और पश्चिमी राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए BWH। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जहां पे बांसवाड़ा आएगा उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, AW का। तो कोपेन और त्रिवार्था में कोई अंतर नहीं है, कोपेन AW, त्रिवार्था AW, BW HW, BWH, BS HW, BSH, CWG, CAW। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं त्रिवार्था, और त्रिवार्था के अगर नाम याद करने हो आपको, बहुत ही आसान है। देखिए AW तो इधर भी AW, BW HW तो यहां पर आ जाएगा BWH, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर BSHW तो यहां पर BSH, या CWG तो यहां CAW। कोपेन त्रिवार्था को एक साथ लेकर के चलो, AW AW, BWHW BWH, BSHW BSH, CWG CAW, काम पूरा हो गया। और लगभग अंदाजा रखो वहीं पर ही नाम आएंगे जहां पे कोपेन के नाम आ रहे हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्वी दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है, बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर, कि राजस्थान में उत्तर पूर्वी दिशा से जो हवा प्रवेश करती है उसको किस नाम से जाना जाता है। जो लाइव देख रहा है वो सबसे पहले तो लाइक करिएगा, जो लाइव देख रहा है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आंकड़ा 3 से कम नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो उससे पहले पहले, बहुत कुछ सीखने को है इसके अंदर। देखिए बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, देखिए राजस्थान में ये दिशा तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अब ध्यान से सुनिए, राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को उत्तराद कहते हैं, उसको धरोड़ कहते हैं, उसको धराऊ कहते हैं, उत्तराद कहते हैं, धरोड़ कहते हैं, धराऊ के नाम से जाना जाता है। उत्तर से जो आएगी, जो राजस्थान में दक्षिण से हवा प्रवेश करेगी, दक्षिण में तो श्रीलंका है तो उसको हम लंकाऊ कहते हैं। जो राजस्थान में पूर्व से हवा आएगी वो पूर्वैया है, वो पूर्वैया है, वो पूर्वाई है, वो पूर्वा है, वो आगुणी है, वो आगुणी है। राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को पूर्वैया, पूर्वाई, पूर्वा, आगुणी कहते हैं। जो राजस्थान में पश्चिम दिशा से हवा आती है
उसको पिछवाई कहते हैं, उसको पछऊ कहते हैं, उसको पिछवा कहते हैं, अरे उसको आथूणी कहते हैं, उसको आथूणी कहते हैं। क्या आसान नहीं है क्या? राजस्थान में उत्तर से आती है वो उत्तराध, धरोड़, धराऊ, दक्षिण वाली लंकाऊ, पूर्व वाली पुरवैया, पुरवाई, पूर्वा, आगुणी, पश्चिम वाली पिछवाई, पछऊ, पिछवा, आथूणी। जो राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से आएगी वो संजेरी है, जो राजस्थान में उत्तर पश्चिम दिशा से आएगी वो सूर्या है, जो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम दिशा से यानी गुजरात से यानी समुन्द्र से जो आएगी वो समुद्री है, और जो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी दिशा से आएगी वो चील है। वो कौन सी है? वो चील है। दक्षिण पूर्वी दिशा से जो आएगी वो चील है, ये याद रख लो। एक भयंकर आवाज के साथ जो हवा चलेगी, भयंकर आवाज के साथ जो हवा चलती है उसको अरडाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरडाव कहते हैं। भयंकर आवाज के साथ जो चलेगी वो अरडाव कहलाएगी। और ज्येष्ठ माह में तो तवा चलती है, ज्येष्ठ माह में जो हवा चलती है वो तवा चलती है, जो हवा चलती है वो तवा। और पौष माह में तो सिल्ली सिल्ली हवा आती है, पौष माह में तो सिल्ली हवा आती है, पौष माह में जो हवा चलती है वो सिल्ली है। और वाष्प कणों के साथ जो हवा चलती है वो झाला कहलाती है। ये भी याद रख लो कि वाष्प कणों के साथ जो हवा चलती है उसको झाला कहती है। बहुत कुछ है सीखने को, आप पर है कि आप कितना सीखते हैं। राजस्थान में उत्तर से हवा प्रवेश करती है उसको उत्तराध, धरोड़, धराऊ, दक्षिण को लंकाऊ, पूर्व से आती है वो पूर्वैया, पूर्वाई, पूर्वा, आगुणी, पश्चिम से आएगी वो पिछवाई, पछौ, पिछवा, आथुणी। उत्तर पूर्व से जो आएगी वो संजेरी, उत्तर पश्चिम से आएगी वो सूर्या, दक्षिण पश्चिम से आएगी समुद्र से आएगी वो समुद्री, समुद्री इधर दक्षिण पूर्व से आएगी वो चील, ज्येष्ठ माह में जो हवा चलेगी वो तवा, पोष माह में चलती है सिल्ली हवा, वाष्प कणों के साथ झाला, और भयंकर आवाज के साथ चलती है वो कहलाती है अरडाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी शानदार, राजस्थान को कितने मिलीमीटर वर्षा रेखा के रूप में दो भागों में, कितने मिलीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देख रहा हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है, देख रहा हूं सबसे पहले आंसर, जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर दे। अभी भी आपने तीन का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, ये काम आपका है और ये काम मेरा, एक बार ग्रुपों में शेयर करके जरूर आइए। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर कितनी वर्षा रेखा है जो दो भागों में विभाजित करेगी, कितने मिलीमीटर? सॉरी जाटरी पायलट, अच्छा फैन पायलटरी। सुरेश कुमार, रिंकू, गगन, उदय, आशीष, सोनिया, राजू, महावीर, बहुत ही बढ़िया, शेयर जरूर करिए, ग्रुपों में शेयर करके आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए राजस्थान को दो भागों में, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर, पर्सन क्या था? मिलीमीटर। तो आंसर क्या होगा? ये वाला, या तो वो लिख दे 50 सेंटीमीटर, अगर वो पूछे मिलीमीटर कितना तो एक में 10, 50 इंटू 10 तो 500 मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में। बहुत सही, एक कॉलेज स्कूल लेक्चरर के पेपर में आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया 50 सेंटीमीटर कर दिया, बाद में घर आके देखा तो पता लगा मिलीमीटर अलग होता है और सेंटीमीटर अलग होता है। फिर उसके बाद में कि 0.25 जिस दिन इससे अधिक बरसात हो, इससे अधिक बरसात हो उसे क्या कहते हैं? वर्षा वाला दिन कहते हैं, उसे वर्षा वाला दिन कहा जाता है। किसको? जिस दिन कम से कम 0.25 या इससे अधिक बरसात हो उसे वर्षा वाला दिन कहते हैं। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, एक तरफ है शुष्क और एक तरफ है अर्ध शुष्क, एक है शुष्क और एक है अर्ध शुष्क, दो भागों में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इसके ऊपर, और देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के उत्तर पश्चिम में तो कम बरसात होती है,
कम बरसात होती है और इसके दक्षिण पूर्व में अधिक बरसात होती है। इसके दक्षिण पूर्व में अधिक बरसात होती है, जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है उसके उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान है, कम बरसात होती है, दक्षिण पूर्व में अधिक बरसात होती है। मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर विभाजित करती है तो शुष्क और अर्ध शुष्क, लेकिन राजस्थान को दो भागों में 50 सेंटीमीटर, राजस्थान को दो भागों में 500 मिलीमीटर, राजस्थान को दो भागों में अरावली पर्वतमाला। आप पर है कि आप कितने क्वेश्चन इसमें याद कर सकते हैं। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कोटा, जोधपुर, झालावाड़, जैसलमेर, बताइए बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर देख रहा हूं, सबसे पहले कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए, लाइव देखने वाला लाइक करते रहे, ऑफलाइन भी जल्दी शुरू हो जाएगा, लग रहा है कि 15 के आसपास शुरू हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, वर्षा का औसत अगर हम बात करें, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57 से 58 सेंटीमीटर और टेम्परेचर क्या था 37 से 38। सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त में होती है। सर्वाधिक अगर कोई पूछे वर्षा कौन से महीनों में होती है तो आप याद रख लो जुलाई अगस्त में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बरसात तो जुलाई अगस्त में होती है। और सर्वाधिक अगर कोई पूछे वर्षा, सर्वाधिक अगर कोई वर्षा पूछे तो माउंट आबू में होती है, और माउंट आबू में कितनी होती है 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है। और वर्षा के दिनों की संख्या अगर कोई पूछे तो 48 दिन है। कितने दिन है? 48 है। अरे सम तो कम वर्षा वाला स्थान है, कम वर्षा वाला अगर कोई स्थान पूछ ले तो आप कह दो सम और कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। ये तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है तो आप कहेंगे कोटा। कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है तो जोधपुर। कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कोई राजस्थान में जिला पूछे तो झालावाड़। कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर है। कितने दिन बरसात होती है? 40 दिन होती है। और कम तो जैसलमेर है, कम तो जैसलमेर है। कितने सेंटीमीटर होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। कितने दिन होती है? 5 दिन ही होती है। तो वर्षा के दिनों की संख्या 5 दिन है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, जैसलमेर, हांजी बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा झालावाड़, बिल्कुल सब सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का औसत है 57 से 58। सर्वाधिक वर्षा वाले महीने जुलाई अगस्त है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, कम पूछ ले तो सम है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, कम पूछ ले तो जोधपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़, दूसरा पूछ ले तो बांसवाड़ा और कम पूछ ले तो जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला जिला निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर बताना है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जल्दी जल्दी बताइए। हां जी, हिंदी की क्लास भी लेके आएंगे, टेंशन ही मत लो आप। पहले आप अपने आंकड़े को पूरा करिएगा। चुटकी, चंद्रकला, जल्दी 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 बताइए। वाष्पोत्सर्जन अगर हम बात करें कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है पोटोमीटर, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कौन से महीने में होती है? जून में। कम वाष्पोत्सर्जन कौन से महीने में होती है? दिसंबर में। कम वाष्पोत्सर्जन होती है दिसंबर में, सर्वाधिक होती है जून में। अगर कोई ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला, तो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन वाला तो ये है। राजस्थान में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन वाला अगर कोई जिला पूछे तो आप कह देंगे डूंगरपुर। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? जैसलमेर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। अरे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, आर्द्रता वाला संभाग, नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा। और अधिशेष जल, राजस्थान में सर्वाधिक अधिशेष जल कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा और उसके साथ याद रख लो सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक अधिशेष जल अगर कोई पूछे तो बांसवाड़ा और दूसरा पूछ ले तो सिरोही है। राजस्थान में अगर कोई पूछे सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन तो जून में, कम होती है दिसंबर में। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर, कम पूछ ले तो डूंगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में राजस्थान का बड़ा जिला कौन सा है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी आप बताइए। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में देख रहा हूं, सबसे पहले कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है? कर्क रेखा, अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का संबंध राजस्थान में दो ही जिलों से है, आप सब जानते हैं, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है कर्क रेखा, डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है कर्क रेखा। फिर उसके बाद में कि कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो तिरछी किरणों वाला जिला, तिरछी किरणों वाला अगर कोई जिला पूछ ले, तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे गंगानगर है, तिरछी किरणों वाला जिला गंगानगर है। फिर उसके बाद में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर है, कितने दिन चलती है, तो आप कहेंगे 27 दिन चलती है, 27 दिन। अब देखिए कि कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में अगर कोई पूछे बड़ा तो ये है, और कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में अगर कोई छोटा पूछे तो डूंगरपुर है, छोटा पूछे तो डूंगरपुर है। कर्क रेखा के, कर्क रेखा के नजदीक और एक है दूर, कर्क रेखा के नजदीक और दूर, कर्क रेखा पर स्थित जिले कितने हैं? दो, और उनमें अगर कोई नजदीक पूछे तो वो बांसवाड़ा और फिर दूर पूछे तो डूंगरपुर, लेकिन वो अपने इसके ऊपर नहीं करेंगे। अब उसके बाद झालावाड़, राजस्थान में कम आंधियों वाला, राजस्थान में सबसे कम आंधियों वाला जिला, आंधियों वाला अगर जिला पूछे तो झालावाड़। कितने दिन आंधियां चलती है? 3 दिन चलती है, कितने दिन चलती है? 3 दिन चलती है। राजस्थान में जो आंधियां हैं वो सबसे ज्यादा कौन से महीनों में चलती है? मई जून में चलती है। राजस्थान में आंधियों का रंग होता है काला पीला, सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है, दूसरा स्थान हनुमानगढ़ का, सबसे कम आंधियां झालावाड़ में चलती है। फिर उसके बाद में हवाओं की बात करेंगे तो उनके नाम मैंने डिस्कस कर ही लिए। कर्क रेखा की बात करोगे तो कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री है ना उत्तरी अक्षांश में, तो कर्क रेखा का संबंध राजस्थान के दो जिलों से, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के चीखली गांव, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा, कम लंबाई डूंगरपुर में। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा अगर कोई पूछे तो बांसवाड़ा, छोटा पूछे तो डूंगरपुर है। कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय पूछे तो बांसवाड़ा, लेकिन दूर पूछ ले तो कौन सा है? श्री गंगानगर। तो बहुत आसान है, बहुत कुछ सीखने को है, शेयर करते रहिएगा। अभी कल्चर वाले सर आ रहे हैं अमित मान सर, उसके बाद में हिस्ट्री के सर रहेंगे भगवान सर, तो आप पढ़ते रहिए, बस बार बार रिपीट करते रहिए और क्वेश्चनों का आंसर सही देते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग गंगानगर के YouTube चैनल के ऊपर। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर अपने बात करने जा रहे हैं, टॉपिक आपको पता ही था, ये जो अपना टॉपिक है वो है चित्रकला। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा साहब, क्वेश्चन है किस चित्रकला शैली पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने, आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, किस चित्रकला शैली पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि जो भी रूप है उस चित्रकला शैली का स्वतंत्र रूप है, उसने किसी भी चित्रकला शैली की कोई बात कॉपी नहीं की है। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ जी राम राम, नमस्कार, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जल्दी से बताइएगा साहब। पूजा शिशपाल, एमपी जाट, बच्चों का आंसर ए आ रहा है, एक नंबर। देखिए अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो मुम्मल चित्र है, मुम्मल जो चित्र है वो किस चित्रकला शैली का है, तो याद रखिएगा मुम्मल जो चित्र है साहब वो जैसलमेर शैली का है, क्योंकि मुम्मल एक राजकुमारी थी लोधरवा की, लोधरवा जो जगह है वो जैसलमेर के अंदर है, जिसका जो प्रेम प्रसंग था वो था अमरकोट के महेंद्र के साथ। ठीक है, अगर जैसलमेर की मैं बात करूं तो याद रखिएगा जैसलमेर शैली का आपसे पूछा जा सकता है स्वर्ण काल बताइए, तो याद रखिएगा जैसलमेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो मूल राज का, जो जैसलमेर के मूल राज का काल माना जाता है। अगर उनियारा की बात करें तो उनियारा आपको पता हो, उनियारा जगह जो है वो टोंक में है, उनियारा शैली का अगर स्वर्ण काल पूछे
उनियारा शैली का अगर स्वर्ण काल पूछे तो याद रखिएगा राव राजेंद्र सिंह का काल माना जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं कौन इसका राइट आंसर दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी मुमल जो चित्र है वो अपने जैसलमेर शैली का है, बहुत ही हाँ जी ए आंसर बता रहे हैं बच्चे, शाबाश भी शाबाश। जल्दी से जो गलत दे रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से चलिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो अपना क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। अगर आमेर की मैं बात करूं तो आमेर का जो स्वर्ण काल है वो मान सिंह का काल माना जाता है, मान सिंह के समय ही इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी, यशोधरा चित्र इसका पहला था। अगर नागौर की मैं बात करूं तो एक बार पूछा गया प्रश्न है, बूझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है, बूझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है, तो नागौर शैली में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है। चित्रकला टॉपिक के हर एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। हाँ जी राम राम, सभी को राम राम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए, और जो चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी बच्चों का गुरुप्रीत संधु, सभी बच्चों का सुप्रीत, हाँ जी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का आंसर जो है वो ए आ रहा है, तो देख लेते हैं साहब। हाँ जी बीच में एक दो को एक दो का बी भी आ रहा है। हाँ जी मुम्मल एक गीत भी है, हाँ जी मुम्मल जो गीत है वो श्रृंगारिक गीत है और जैसलमेर का प्रसिद्ध माना जाता है। मुम्मल राजकुमारी थी एक जैसलमेर की लोधरवा की। हाँ जी ए आंसर जो इसका है वो बिल्कुल, जिन्होंने ए आंसर दिया है वो याद रखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। ए आंसर जिन्होंने दिया है उनका ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। हाँ जी लोकगीत है जी, बिल्कुल है लोकगीत है मुम्मल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, क्वेश्चन है बड़े बड़े कैनवासों पर, बड़े बड़े कैनवासों पर आदमगत चित्र बनाना किस चित्रकला शैली की विशेषता है, बड़े बड़े पर्दों के ऊपर आदमगत चित्र बनाना किस चित्रकला शैली की विशेषता है, जल्दी से बताइएगा। जयपुर से प्रणाम जी, बिल्कुल आपको भी प्रणाम बहुत बहुत। और जो चैनल के ऊपर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोटा शैली की मैं बात करूं, कोटा शैली की मैं विशेषता की मैं बात करूं तो याद रखिएगा कोटा शैली के अंदर रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। किस चित्रकला शैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो याद रखिएगा अपने कौन सी चित्रकला शैली में है, अपने कोटा शैली में है। कोटा शैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगर अलवर की मैं बात करूं, अलवर की मैं बात करूं तो याद रखिएगा अलवर चित्रकला शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र बने हैं, वैश्याओं के चित्र बने हैं। अलवर चित्रकला शैली एक ऐसी चित्रकला शैली है जिसकी बहुत ही बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता यह है कि अलवर चित्रकला शैली में बॉर्डर के ऊपर चित्रण होता था, यानी कि किसी भी पेंटिंग की चारों तरफ का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर भी छोटे छोटे क्या बने होते थे, चित्र बने होते थे। यह भी किस चित्रकला शैली की विशेषता है, तो याद रखिएगा अलवर चित्रकला शैली की विशेषता है। अलवर चित्रकला शैली की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है हीरों व जवाहरातों की स्याही का प्रयोग हुआ है। हीरे व जवाहरातों की स्याही का प्रयोग किस चित्रकला शैली में हुआ है, तो याद रखिएगा अलवर चित्रकला शैली के अंदर हुआ है हीरे व जवाहरातों की स्याही का प्रयोग। ठीक है आंसर जयपुर आ रहा है बच्चों का। हाँ जी बिल्कुल, जो गलत दे रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से चलिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है, जितना आसान है उतना इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा आदमगत चित्र बनाने की जो विशेषता है वो अपने जयपुर चित्रकला शैली की है। बच्चों का डी जिन्होंने आंसर दिया है या जिन्होंने जयपुर लिखा है उनका बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। अब देखिए बूंदी की अगर अपने बात करें तो याद रखिएगा बूंदी चित्रकला शैली में पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र बने हैं, इसलिए बूंदी चित्रकला शैली को कहा जाता है पशु पक्षी शैली। ठीक है, दूसरी बूंदी की सबसे बड़ी विशेषता है बूंदी चित्रकला शैली में भित्ति चित्रों की अधिकता है, भित्ति चित्रों की, यानी कि इस चित्रकला शैली में चित्र जो हैं वो दीवार पर सबसे ज्यादा बने हैं, कागज के ऊपर ताम्र पत्रों के ऊपर बहुत कम बने हैं। इस चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा चित्र जो है वो दीवार पर बने हुए हैं। और याद रखना बूंदी के अंदर जो भवन है 36 भवन हैं जिनके ऊपर क्या बने हुए हैं, भित्ति चित्र बने हुए हैं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा भवन है वो माना जाता है चित्रशाला। चित्रशाला एक महल है
बूंदी दुर्ग के, तारागढ़ दुर्ग के अंदर, इसलिए इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्लास है, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और जो चैनल के ऊपर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ जी, शाबाश भाई, शाबाश, बहुत शानदार प्रश्न है ये, और सारी बातें भी मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रश्न से 10 प्रश्न बना दिए, तो आप लाइक कीजिए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आदमकद चित्र, अगर अपने आदमकद चित्र की बात करें, पोर्ट्रेट चित्र की बात करें, पोर्ट्रेट पेंटिंग की बात करें, होता क्या है? मान लो मेरा कद है 6 फुट 2 इंच, तो जो पेंटिंग बनाई जाएगी वो भी कितनी होगी? 6 फुट 2 इंच, ठीक है। जैसे कान है, जैसे नाक है, हूबहू वैसा का वैसा, जैसा व्यक्ति है वैसा का वैसा चित्र जो बनाया जाता है उसे आदमकद चित्र कहा जाता है। आदमकद चित्र जो है वो फेमस किसके हुए थे? जयपुर चित्रकला शैली में प्रसिद्ध भी यही शैली है, और बनाए इन्होंने ही थे, और प्रसिद्ध किसका हुआ था? ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र प्रसिद्ध हुआ था, और ईश्वरी सिंह का चित्र किसके काल में बना था? तो स्वाई प्रताप सिंह के काल में बना था। ये वही स्वाई प्रताप सिंह है जिसने हवा महल बनाया था, और ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया किसने था? तो याद रखिएगा, शालिग्राम ने बनाया था, शालिग्राम ने बनाया था। कई किताबों में साहिब राम भी मिलता है, तो बात एक ही है, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी साहब, शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, राजस्थानी चित्रकला शैली को, देखिए ये नामकरण का क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला शैली को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, ये नामकरण के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अपने ये नामकरण के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछा गया है, राजस्थान चित्रकला शैली को हिंदू शैली के नाम से किसने पुकारा है? यानी कि राजस्थानी शैली है लेकिन इसको हिंदू शैली बोला है, बताइए किसने बोला है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। हाँ जी, बच्चों का ए आंसर आ रहा है। चलो अपने बात करते हैं, अगर रामकृष्ण दास की बात करें तो रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्रकला शैली कहा था। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने राजस्थानी चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्रकला शैली कहा था, उसका नाम था रामकृष्ण दास। आनंद कुमार स्वामी की मैं बात करूं, ओ सी हैवल की बात करूं, गांगुली की बात करूं, वाचस्पति गैरोला एक विद्वान है, वाचस्पति गैरोला एक विद्वान है, बेलिस ग्रे, वाचस्पति गैरोला और बेलिस ग्रे, इन सभी ने मिलकर राजस्थानी चित्रकला शैली को क्या नाम दिया है? तो याद रखिएगा, राजपूत शैली, क्योंकि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षत्रियों का राज था, राजपूतों का राज था। आपने पढ़ा होगा एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 19 में से 16 राजपूतों की थी, दो धौलपुर और भरतपुर जाटों की थी, टोंक जो है वो मुसलमानों की थी, नवाबों की थी, ठीक है ना। हाँ जी, एनसी मेहता या मंजूलाल रणछोड़ लाल मजूमदार, जल्दी से बताइए, देख रहा हूं मैं कौन आंसर दे रहा है इसका। मिक्स आंसर आ रहे हैं, कई ए बता रहे हैं, कई बी बता रहे हैं, कई सी भी बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो ही किसी एग्जाम के सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन आसान लगते हैं उतने ही ज्यादा हार्ड होते हैं, और यहां पर बच्चे मार खा जाते हैं। हाँ जी साहब, तो याद रखिएगा, राजस्थानी चित्रकला शैली को हिंदू शैली के नाम से पुकारा था एनसी मेहता ने। किसने? एनसी मेहता ने। आनंद कुमार स्वामी, ओ सी हैवल, गांगुली, वाचस्पति गैरोला और बेलिस ग्रे, इन्होंने क्या नाम दिया है? राजपूत शैली। अगर मंजूलाल रणछोड़लाल मजूमदार की मैं बात करूं, तो याद रखना, मंजूलाल रणछोड़लाल मजूमदार ने राजस्थानी चित्रकला शैली को गुजराती शैली कहा था, क्योंकि गुजराती शैली से भी ये प्रभावित थी, मुगलों से भी प्रभावित थी, अंग्रेजों से भी प्रभावित थी, यानी कि मिला जुला रूप था। राजस्थानी चित्रकला शैली अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी 17वीं-18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। हाँ जी साहब, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अपने राजस्थान की मूल शैली मानी जाती है, जल्दी से बताइएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान की मूल शैली किसे कहा जाता है, बताइए? क्या बूंदी है, क्या मारवाड़ है, क्या जयपुर है, क्या मेवाड़ है? अगर बूंदी की मैं बात करूं, तो बूंदी की पहली विशेषता यह है, वर्षा में नाचते हुए मोर,
किस शैली की विशेषता है? बूंदी की। पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र किसमें है? बूंदी में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पशु पक्षी शैली कहा जाता है। एक बूंदी की और विशेषता है, और वो ये विशेषता है कि इस चित्रकला शैली में भित्ति चित्रों की अधिकता है। किसकी अधिकता है? भित्ति चित्रों की। यानी कि इस चित्रकला शैली में दीवारों के ऊपर सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए हैं। अगर मारवाड़ की मैं बात करूं तो मारवाड़ में याद रखना एक विशेषता बहुत बड़ी है, प्रेम प्रसंग के चित्र सबसे ज्यादा बने हैं, लव स्टोरी के चित्र सबसे ज्यादा बने हैं। जैसे मुम्मल और महेंद्र का था, जैसे ढोला मारू का था, ठीक है ना, रूपमती बाज बहादुर का जो प्रेम प्रसंग था, उजली और जेठवा का प्रेम प्रसंग था। यानी कि जोड़ों के जो चित्र हैं, जोड़ों के जो चित्र हैं वो किस शैली में सबसे ज्यादा बने हैं? मारवाड़ शैली में बने हैं, यानी कि जोधपुर शैली में बने हैं। हाँ जी, डी आंसर बच्चों का आ रहा है। हाँ जी, डी जो आंसर है वो आ रहा है बच्चों का, बिरबल, विकास, सोमू, निर्मला, शीशपाल, जादू, उग्रसेन भादू, विकास रायल, के चौधरी। हाँ जी बिल्कुल साहब, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो डी है। जिन बच्चों ने डी बताया है वो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 प्रश्न हैं और 10 के 10 प्रश्न राजस्थान की चित्रकला शैली के ऐसे प्रश्न हैं, इनमें से आप 50 प्रश्न बना लोगे, और ये 50 प्रश्न ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जामों के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर की विशेषता एक तो मैंने आपको बताई दी, कौन सी? आदमकद चित्र। कौन सी है? आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो याद रखिएगा जयपुर की। बड़े बड़े कैनवासों पर आदमकद चित्र बनाना किस शैली की विशेषता है? जयपुर की। और प्रताप सिंह का काल, स्वाई प्रताप सिंह का काल, एक बहुत बड़ा विद्वान था स्वाई प्रताप सिंह, गंधारो भाई थी जिसके दरबार में रहती थी, जिसने हवा महल बनवाया था। प्रताप सिंह का काल, प्रताप सिंह का काल इस शैली का क्या है? स्वर्ण काल है, ठीक है। अगर अगर मेवाड़ की बात करें तो राजस्थान की मूल शैली मेवाड़ मानी जाती है। मूल शैली का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब क्या है? यानी कि जहां से राजस्थानी चित्रकला शैली शुरू हुई थी, जहां से राजस्थानी चित्रकला शैली का जो आगमन है वो हुआ था मेवाड़ से, ठीक है ना। मेवाड़ के राजाओं ने ही राजस्थानी चित्रकला शैली को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था। राजस्थान चित्रकला शैली के विकास में सबसे ज्यादा योगदान था मेवाड़ के शासकों का, और मेवाड़ में भी किसका? कुंभा का। इसलिए कुंभा का काल राजस्थान के अंदर, इसलिए कुंभा का काल राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का कौन सा काल माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। और कुंभा का शासन काल आता है 1433 से लेकर 68 तक, ठीक है ना। याद रखिएगा कुंभा का काल क्या है? 1433 से लेकर 68 तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? उदयपुर शैली को आप मेवाड़ शैली भी बोल सकते हो, बताइए उदयपुर। हाँ जी बिल्कुल मन्नू जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जहां से श्री गणेश हुआ, यानी कि जहां से शुरुआत हुई, बताइए उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? क्या जगत सिंह प्रथम का माना जाता है? क्या अमर सिंह प्रथम का माना जाता है? जगत सिंह प्रथम की अगर अपने शासनकाल की बात करें तो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल आता है 1628 से लेकर 52। अमर सिंह प्रथम का आता है 1597 से 1620। राज सिंह का आता है 1652 से 80। जय सिंह का आता है 1680 से 98 तक। बताइएगा गुरप्रीत, पंकज, गुदारा, पूनम, लक्ष्मी, लेखराज, मीना, रिंकी शर्मा, विकास, देवराज, रूपाराम, रमेश डागड़ा, विकास, सोमू। बच्चों का आंसर ए आ रहा है, लगभग बच्चों का आंसर जो है वो ए आ रहा है। बीच में जसवंत कौर जो है, रिंकी शर्मा जो है, लेखराज मीणा जो है, सौरभ किलानिया जो है, वे बी बता रहे हैं। हर्षवर्धन ने डी आंसर बताया है। तो याद रखिएगा जिन्होंने ए दिया है, जिन्होंने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है। अगर आप अमर सिंह प्रथम बता रहे हो तो अमर सिंह प्रथम तो चावंड शैली का स्वर्ण काल है। अमर सिंह प्रथम का काल तो चावंड शैली का स्वर्ण काल है। चावंड शैली की शुरुआत जो है वो महाराणा प्रताप के समय हुई थी। महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू चित्र बनाया गया था जो वर्तमान में दिल्ली में रखा हुआ है। अगर राज सिंह आप आंसर दे रहे हो तो नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल, नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल, और नाथ द्वारा शैली का क्वेश्चन बनेगा भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं?
भगवान श्री कृष्ण के चित्र, भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं, तो नाथ द्वारा में बने हैं। और नाथ द्वारा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस चित्रकला शैली में महिला चित्रकारों का योगदान था, तो याद रखना नाथ द्वारा में कमला और इलायची महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली में थी, तो याद रखना नाथ द्वारा में कमला और इलायची महिला चित्रकार जो है वो किस शैली में थी, तो नाथ द्वारा में थी। हाँ जी, चावंड की शुरुआत प्रताप के समय हुई थी जी, बिल्कुल हुई थी साहब, बिल्कुल हुई थी चावंड, क्योंकि महाराणा प्रताप ने 1585 के अंदर लूणा चावंडिया को हराकर अपनी राजधानी बनाया था। और महाराणा प्रताप का एक दरबारी था जिसका नाम आता है निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन, उसी नासिरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के दरबार में एक चित्र बनाया था ढोला मारू, जो वर्तमान में दिल्ली के संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। इसलिए चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत जो है वो प्रताप के समय हुई थी, जबकि चावंड का स्वर्ण काल जो है वो अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बताइएगा बीकानेर शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसको प्रकाश में, लोक नृत्यों को प्रकाश में कौन लेके आया, किसी व्यक्ति को प्रकाश में कौन लेके आया, या फिर अपने जो चित्रकला शैली है इसको प्रकाश में कौन लेके आया। प्रकाश में लाने का मतलब क्या होता है, प्रकाश में लाने का ये मतलब नहीं होता भी कोई चित्र बनाया और उसको लट्टू के आगे रख दिया और वो प्रकाश में आ गया। प्रकाश में लाने का मतलब ये होता है उस चित्र की विशेषताएं लोगों के सामने लाना, उसको लोग उसके बारे में लोगों को बताना या उसको फिर चर्चित करना। जैसे राणु मंडल को चर्चित किया था हिमेश रेशमिया ने, तो आप कह सकते हो राणु मंडल को जो है प्रकाश में कौन लेके आया, तो हिमेश रेशमिया लेके आया। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। कमला इलायची क्या थी सौरभ किलानिया जी, कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्रकला शैली की महिला चित्रकार थी। ठीक है ना, किस चित्रकला शैली में महिला चित्रकार थी, तो नाथ द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत शानदार प्रश्न है। नथुराम, किंदर, देवराज, सौरभ, सोनिया, प्रतीक, पुनिया, बीच में ए आंसर दे रहे हैं, बीच में बी भी आंसर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से चलिएगा। अगर आप फयाज अली आंसर दे रहे हो तो फयाज अली तो प्रकाश में लेके आए थे किशनगढ़ शैली को, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को दिया जाता है। एरिक डिक्सन भी किस शैली को प्रकाश में लेके आए थे, किशनगढ़ शैली को, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। एरिक डिक्सन ने बनी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा था, तो चर्चा में आ गई ना बनी ठणी, बनी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा था। बनी ठणी एक पेंटिंग है जिसका चित्रण किया था अपने किसने, तो याद रखना इसका चित्रण किया था निहाल चंद ने, मोर ध्वज निहाल चंद ने, और निहाल चंद के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन ने। वैसे मोनालिसा जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंसी की थी, इसलिए इसके साथ इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, अगर आप श्रीधर अंधारे बता रहे हो तो श्रीधर अंधारे देवगढ़ को प्रकाश में लाए थे, देवगढ़ जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में है, जो मेवाड़ स्कूल का है एक भाग था, मेवाड़ स्कूल का जो देवगढ़ है इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे, किशनगढ़ को एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन ने बनी ठणी को क्या कहा था, भारत की मोनालिसा, और इसी बनी ठणी के ऊपर जारी हुआ था डाक टिकट, कब, 5/5/1973 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरमन गोएत्ज। बीकानेर शैली को प्रकाश में कौन लेके आए थे, हरमन गोएत्ज लेके आए थे, और इन्होंने बीकानेर चित्रकला शैली के ऊपर एक क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आप याद रखना द आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, द आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताइए द आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर पुस्तक का रचयिता कौन है, तो भी आप क्या करोगे, हरमन गोएत्ज। देवगढ़ को प्रकाश में श्रीधर अंधारे,
किशनगढ़ को फयाज अली और एरिक डिक्सन, भारत की मोनालिसा बनी ठहरी को किसने कहा? एरिक डिक्सन। ये वही एरिक डिक्सन है जिसने बी प्लस अवेयर के नाम से, बी प्लस अवेयर के नाम से एक शहर बसाया था। बी अवेयर, बी अवेयर ही क्या बन गया? ब्यावर। राजस्थान का अंतिम शहर जो परकोटे में बसा हुआ है वो ब्यावर है, और ब्यावर शहर को बसाने वाला कौन था? एरिक डिक्सन था। एरिक डिक्सन की छतरी पूछे तो ब्यावर में है। ब्यावर की क्या प्रसिद्ध है? ब्यावर की सूंघनी नसवार प्रसिद्ध है। सूंघनी नसवार कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। भैरव नृत्य कहां का है? ब्यावर का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, बताइए किस चित्रकला शैली में सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हैं? बताइएगा किस चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा चित्र जो है वो कागज के ऊपर बने हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कपड़े पर बने नहीं, या दीवार पर बने नहीं, या फिर ताम्र पत्र के ऊपर बने नहीं, बने हैं लेकिन वो पूछ क्या रहा है सबसे ज्यादा। मान लो अगर दूसरे चित्र 10 बने हैं तो कागज के ऊपर 20 बने हैं, यानी कि सबसे ज्यादा चित्र किसके ऊपर बने हैं? कागज के ऊपर। बताइए अगर मैं कोटा की बात करूं, कोटा की मैं बात करूं तो याद रखिएगा कोटा के अंदर रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, कोटा के अंदर रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। किशनगढ़ की मैं बात करूं तो किशनगढ़ का क्वेश्चन क्या याद रखोगे? किशनगढ़ का जो स्वर्ण काल है, किशनगढ़ का जो स्वर्ण काल है बहुत बार पूछा जाता है, नागरी दास या सावंत सिंह का काल। वैसे तो इसका नाम सावंत सिंह था और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण इसने अपना नाम रखा था नागरी दास, ठीक है। चावंड की मैं बात करूं तो चावंड का स्वर्ण काल क्या आएगा? याद रखिएगा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी चावंड 1585 में लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की दो विशेषता है, एक तो उस्ता कला जो मुसलमान करते हैं ऊंट की खाल पर की जाती है, एक आती है मथेरणा कला जो जैन धर्म के लोग करते हैं। मथेरणा कला दीवार के ऊपर गोबर के द्वारा देवी देवताओं के चित्र बनाना मथेरणा कला, ऊंट के ऊपर कलाकारी करना वो उस्ता कला। उस्ता कला बीकानेर में राय सिंह लेके आया था, जबकि स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल माना जाता है। जल्दी से बताइएगा, हाँ बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल आपसे पूछ ले तो भी आप क्या करोगे? अनूप सिंह। और बीकानेर चित्रकला शैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? राय सिंह के समय। और एक बहुत बड़ी विशेषता है, बीकानेर चित्रकला शैली के जो चित्रकार थे, चित्र के नीचे बीकानेर चित्रकला शैली के जो चित्रकार थे वो चित्र के नीचे नाम व तिथि लिख देते थे, नाम व तिथि लिख देते थे, अन्य किसी भी चित्रकला शैली के लोग ऐसा नहीं करते थे। मानना भी कहते थे कि मानना अलग होता है साहब, मानना तो जमीन पर आप कहीं किससे भी बना सकते हो, रंग से बना सकते हो, लेकिन मथेरणा कला सिर्फ और सिर्फ गोबर से होती है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बी सी, बी सी आंसर मिक्स आ रहे हैं तो याद रखिएगा जिन्होंने बी आंसर दिया है किशनगढ़ वो बिल्कुल ही अपना सही होगा, लगभग बच्चों का सही है बी। हां जी बिल्कुल बिल्कुल, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निहाल चंद, छोटू, नानक राम, बदन सिंह, लालड़ीदास, अमीर चंद, एक आता है अमर चंद, ये किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? पहले क्या होता था, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता था कोई भी चित्रकला शैली की विशेषता, फिर क्वेश्चन आने लगा बताइए इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका काल है। फिर अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन का ट्रेंड अलग हुआ, थोड़ा बदला, क्वेश्चन को क्या बना दिया गया, चित्रकारों के नाम देके ये पूछा जाने लगा कि बताइए ये चित्रकार जो है ये किस शैली के हैं। तो बताइएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर, डी आंसर बच्चे बता रहे हैं, रवीना, सोमू, विजय कुमार, डिंपल, चैतन्य राम, हर्षवर्धन, के चौधरी। हां जी डी आंसर बच्चे बता रहे हैं, तो सुन लीजिएगा साहब, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा फेमस हुआ था साहिबद्दीन, और महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा भी गया है साहिबद्दीन और मनोहर किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं उदयपुर के। साहिबद्दीन है, मनोहर है,
शोभक्त है, नारायण है, ठीक है, भैरू राम है और कृपा राम है और नासिरुद्दीन है। अगर इस क्वेश्चन को इनका बना के देता, बताइए साहिबुद्दीन, मनोहर, शोभक्त, नारायण, भैरू राम, कृपा राम, नासिरुद्दीन, ये किस शैली के हैं? तो ये उदयपुर के हैं, ठीक है। अगर बीकानेर की बात करें, बीकानेर की बात करें तो याद रखना एक आता है कादरबख्त उस्ता, क्योंकि इनके नाम के पीछे उस्ता लगता था, ठीक है। और इस चित्रकला शैली के कलाकारों को बीकानेर चित्रकला शैली में उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता था। कादरबख्त आता है, इलाही बख्त आता है, मोहम्मद असगर आता है, ठीक है, हनीफ आता है, हनीफ उस्ता आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपने जीवन आता है, मुन्ना लाल आता है, मुकुंद आता है, शिवराम आता है, रामकिशन जय किशन आते हैं, दोनों भाई थे रामकिशन जय किशन, जैसे संगीतकार की जोड़ी थी शंकर जय किशन की, उसी प्रकार ये रामकिशन और जय किशन थे, ठीक है ना। तो बीकानेर के ये हो गए। अगर नाद्वारा की मैं बात करूं, नाद्वारा में आता है विठुल, घासीराम, देवराज और दो महिला चित्रकार थी, एक का नाम था कमला और एक का नाम था इलायची। बताइए कमला और इलायची महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो नाद्वारा, विठुल, घासीराम, उदयराज और चंपालाल। क्लास खत्म होने के बाद ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और याद रखना संकल्प कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये उपलब्ध हो जाएगी। और ये सारे 10 क्वेश्चन आप घोट के रख देना, 101% इनमें से क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा। निहाल चंद छोटू, निहाल चंद तो वही है जिसने बनी ठनी बनाई थी, बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद है, ठीक है। और अमरचंद जिसने एक चित्र बनाया था चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी किसका है? अपने अमरचंद का है। तो इस किशनगढ़ शैली में दो ही चित्र फेमस हुए थे, एक चांदनी रात की संगोष्ठी और एक बनी ठनी। बनी ठनी भारत का ही नहीं पूरे विश्व का बहुत प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है ना। और उदयपुर शैली का स्वर्ण काल मैंने बताया जगत सिंह प्रथम, बीकानेर का अनूप सिंह, नाद्वारा का राज सिंह, किशनगढ़ का सामंत सिंह। अगले क्वेश्चन पे आइए। एकमात्र चित्र शैली जो अंग्रेजों से सर्वाधिक प्रभावित, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है और इसको इंपोर्टेंट कर लेना, अंग्रेजों से प्रभावित थी। अंग्रेजों से प्रभावित का मतलब कि उनके अंदर जो चित्र बने हैं वो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा बने हैं, या फिर अंग्रेजों के जो दैनिक दिनचर्या है या जो पेंटिंग है उसको उन्होंने कॉपी किया है, ठीक है ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। अलवर की मैं बात करूं, अलवर चित्रकला शैली में किसके चित्र सबसे ज्यादा बने हैं? गणिकाओं के। बॉर्डर पर चित्रण, बॉर्डर के ऊपर भी चित्र बनते थे किस चित्रकला शैली में? अलवर शैली में, ठीक है ना। हाथी दांत के ऊपर चित्र किस शैली में बने हैं? हाथी दांत पर चित्र किस शैली में बने हैं? अलवर शैली में बने हैं। अलवर का स्वर्ण काल किसका काल है? अलवर का स्वर्ण काल किसका काल है? तो याद रखिएगा विनय सिंह का काल है, अलवर का स्वर्ण काल विनय सिंह का काल है। अगर बीकानेर की मैं बात करूं तो चित्र के नीचे नाम व तिथि लिख देते थे, नाम व तिथि लिख देते थे। उस्ता कला बीकानेर की, सुनहरी पोटरी, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का, लाख की पोटरी बीकानेर की, ठीक है, उस्ता कला बीकानेर, मथेरना कला बीकानेर, ठीक है। जयपुर की मैं बात करूं तो बहुत बार बता दिया आपको पहले भी, आदमकद चित्र, ठीक है। और बूंदी में किसके चित्र सबसे ज्यादा? पशु पक्षियों के। और भित्ति चित्रों की अधिकता किस शैली में? बूंदी में, ठीक है। तो हां जी बिल्कुल बिल्कुल, हर्षवर्धन, मनु, सुख, मान, सुलोचना, बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर आ रहा है बच्चों का, सी आंसर आ रहा है। अगर आप सी आंसर दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान से दीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो ए आएगा।
जयपुर तो मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित थी, मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित तो जयपुर थी और अंग्रेजों से सर्वाधिक प्रभावित अलवर थी। याद रखना, बीकानेर चित्रकला शैली शुरुआत रायसिंह के समय, स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल, विशेषता सबसे बड़ी है, चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि लिख देते थे और उस्ता कला मथेरना कला दोनों कहां की, बीकानेर की। आदमगढ़ चित्र किस शैली के, जयपुर शैली के। और आदमगढ़ चित्र फेमस किसका हुआ, ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह का आदमगढ़ चित्र किसके काल में बना, तो स्वाई प्रताप सिंह के काल में। ठीक है, उम्मेद सिंह का काल। बूंदी की अगर मैं बात करूं स्वर्ण काल की, तो याद रखना उम्मेद सिंह का काल बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। अलवर, याद रखना अलवर, इसका राइट आंसर क्या है, अलवर। अंग्रेजों से सबसे ज्यादा प्रभावित अलवर, गणिकाओं के चित्र अलवर। याद रखना हीरे व जवाहरातों की स्याही का प्रयोग, हीरे व जवाहरातों की स्याही का प्रयोग, तो आप क्या करोगे, अलवर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर चित्रकला शैली की शुरुआत किसके समय मानी जाती है, जल्दी से बताइएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। जूते पहने हुए किस समय, देखिए सूर्य भगवान के जूते पहने हुए दिखाया गया है एक मंदिर के अंदर, उस मंदिर का नाम है सात सहेलियों का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है, झालरापाटन वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन स्थल है, जहां से वो हर बार जो है विधायक बनती है और विधानसभा के अंदर जाती है। अशोक गहलोत सरदारपुरा जोधपुर से विधायक बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। हां जी, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। अगर अपने जोधपुर की बात करें तो याद रखिएगा प्रेम प्रसंग के सर्वाधिक चित्र, जोड़ों के सर्वाधिक चित्र, मुमल का, महेंद्र का, उजली का, जेठवा का, रूपमती का, बाज बहादुर का, ठीक है ना, जोड़ों के चित्र किस शैली में बने हैं, याद रखना प्रेम प्रसंग के चित्र किस शैली में बने हैं, जोधपुर में बने हैं। आपसे पूछा गया है शुरुआत किसके समय मानी जाती है। अगर जसवंत सिंह प्रथम की मैं बात करूं तो इनका काल जोधपुर शैली का स्वर्ण काल है, इनका काल जोधपुर शैली का स्वर्ण काल है। किसका काल, जसवंत सिंह प्रथम का, ठीक है ना, जसवंत सिंह प्रथम का, जिसकी मृत्यु हुई थी जमरूद अफगानिस्तान में 1678 में, जिसके मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह की मैं बात करूं तो याद रखिएगा इसके काल में, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह के काल में इस शैली पर, यानी कि जोधपुर शैली पर क्या हुआ था, मुगल प्रभाव आया था। क्वेश्चन आ जाए, जोधपुर शैली में मुगल प्रभाव किसके काल में आया, मोटा राजा उदय सिंह के। मोटा राजा उदय सिंह के काल में क्यों आया, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह किया था अकबर के बेटे जहांगीर के साथ। ठीक है ना, अब देखो राव मालदेव की बात करें तो राव मालदेव के समय इस चित्रकला शैली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। राव मालदेव 31-62 आएगा तो राव मालदेव का नाम आएगा ही आएगा। 52 युद्धों का विजेता राव मालदेव को कहा जाता है, मारवाड़ का पहला पितरहंता मालदेव को कहा जाता है। ठीक है, मानसिंह की मैं बात करूं तो इसके समय तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव आया था, क्योंकि जोधपुर में जो नाथ संप्रदाय की जो पीठ है महामंदिर, उसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था, इसको सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना क्या पूछा गया है, शुरुआत तो मैंने बता ही दिया, जोधपुर चित्रकला शैली की जो शुरुआत है वो राव मालदेव के समय मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब हिस्ट्री की क्लास लेकर आ रहे हैं भगवान जी, तो बने रहिएगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। कृषि पर्यवेक्षक की क्लास में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपके पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन संजय सर के द्वारा करवा दिए गए थे सोलो, उसके बाद में आपके कला संस्कृति के मान सर के द्वारा सोलो करवाए गए और आगे के प्रश्न जो है लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके, कल मैंने टॉपिक बता के भी गया था आप लोगों को ध्यान रखिएगा, तो उसके क्वेश्चन जो है अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। क्लियर, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
और बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया गया, ध्यान रखना। देखिएगा प्रश्न क्या है कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा किसे माना गया है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा, ध्यान रखना यहाँ पर कहा गया है, मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने ये बात मानी है, और वो व्यक्ति कौन है, आपके डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं, और उनके द्वारा ये कहा, मतलब मारवाड़ का प्रतापी राजा जो है वो किसे माना गया है। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, फटाफट से आंसर बताइएगा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा किसे माना है, राव चूड़ा, राव रणमल, राव जोधा, राव सिंह, फटाफट से बताइए, राव सिंह है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा राव सिहा, फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मनप्रीत कौर जी ये बता रहे हैं, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल शारदा जिनगर जी, जय श्री कृष्णा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, शेयर कीजिएगा एक बार जल्दी से फटाफट से। मनीषा ए बता रहे हैं भाई, फटाफट से बताइए जल्दी से, ए ए ए ऑप्शन आ रहा, रिंकी, रजे, महेंद्र, बिश्नोई, देवराज, सीताराम गोदारा, एम पी जाट, उगरसेन भदु, ठीक है जल्दी से देखिएगा। देखो अपन बात करते हैं फिर विद्यार्थियों, मारवाड़ की बात अगर अपन करें तो याद रखिएगा, मारवाड़ जो आपका क्षेत्र है, यानी वर्तमान की बात अगर अपन की जाए तो याद रखिएगा, जैसे वर्तमान पर्टिकुलर एक जिला ले लेते हैं, उसका नाम आपका जोधपुर, ठीक है, और यहां पर जो वंश की स्थापना हुई थी उस वंश का नाम आता है आपके राठौड़ वंश। कौन सा वंश है, राठौड़ वंश, पहली बात ये आपको याद रखना है। राठौड़ वंश की अगर अपन चर्चा करें तो ध्यान रखना कि राठौड़ वंश जो है आपका वो वंश है, ये राजस्थान में, राजस्थान में आने वाला अंतिम राजवंश, ध्यान रखना, राजस्थान में आने वाला अंतिम राजवंश की अगर अपन बात की जाए तो वो अंतिम राजवंश आपका कौन सा है, तो राठौड़ वंश है, अंतिम राजवंश। क्लियर हो गई बात आपकी। आगे और चर्चा की जाए, राठौड़ वंश की स्थापना जो है 1240 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखना 1240 ईस्वी के अंदर आपके राठौड़ वंश की क्या हुई थी, स्थापना आपकी हुई थी, क्लियर। और संस्थापक की बात की जाए तो राठौड़ वंश का संस्थापक जो है, राठौड़ वंश का संस्थापक की बात अगर की जाए तो संस्थापक में नाम आता है आपके राव सिया का, ध्यान रखिएगा, राव सिया को राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। ये मूल रूप से ध्यान रखिएगा बदायूं कन्नौज का रहने वाला था, और अपन बात की जाए गैडवाल वंश के शासक जो राठौड़ वंश वहां पर चल रहा था, जयचंद गैडवाल का नाम आता है, उसका वंशज यहां पर माना जाता है, और 1240 के आसपास में आकर के राव सिया के द्वारा, ध्यान रखना कहां पर, तो राव सिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है, और इसने जो अपनी राजधानी जो बनाई थी उस समय, राजधानी की बात की जाए तो इसने राजधानी बनाई थी खेड़ा गांव को, कौन से गांव को, खेड़ा गांव को बनाई थी, और इस खेड़ा गांव को वर्तमान में अपन किसके नाम से जानते हैं, बालोतरा के नाम से जानते हैं, जहां पर लूणी नदी जो है आधी मीठी और आधी खारी हो जाती है, इसलिए लूणी को अपन आधी मीठी और आधी खारी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई आपकी बात ये, तो ध्यान रखना। राव जोधा की बात की जाए तो राव जोधा को ध्यान रखिएगा, राव जोधा की अगर अपन चर्चा करें तो राव जोधा के समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहले की बात की जाए कि एक सामंती प्रथा का नाम आता है, सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक, ध्यान रखना, सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा राव जोधा को माना जाता है, राव जोधा को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, किस प्रथा का, सामंती प्रथा का, कहां पर, तो याद रखिएगा मारवाड़ या जोधपुर के अंदर, मारवाड़ या जोधपुर के अंदर, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर होगी बात आपकी। आगे पर चर्चा करें, राव जोधा के द्वारा याद रखिएगा 1459 में, 1459 एडी के अंदर ध्यान रखिएगा, एक शहर बसाया गया था जिसका नाम था जोधपुर शहर, कौन सा शहर, जोधपुर शहर की स्थापना जो है 1459 के अंदर किसके द्वारा की गई थी, आपके राव जोधा के द्वारा की गई थी। आप सभी को पता होगा राव जोधा रणमल का पुत्र था, प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, और माणा कुंभा के समकालीन आपके राव जोधा, आवल बावल की संधि माराणा कुंभा और राव जोधा के बीच के अंदर हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आवल बावल की संधि के तहत ही मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था, और इसी संधि के तहत आपको ध्यान होगा कि राव जोधा के एक पुत्र थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, ध्यान रखना, ठीक है, बचपन से ही वो श्रृंगार ज्यादा किया करती थी, है ना, हालांकि ऐसी कोई मान्यता नहीं है, कि आपके याद करने के हिसाब से बता रहा हूं कि राव जोधा की एक पुत्री थी श्रृंगार देवी, बचपन में लाली लिपस्टिक वगैरह काजल वगैरह लगाया करती थी, तो माताजी ने पिताजी ने नाम ही क्या रख दिया, उसका श्रृंगार देवी रख दिया। तो राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह भी आपके कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में हुआ था, वो आवल बावल के संधि के तहत हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात की जाए कि राव चूड़ा की अगर अपन बात करें तो राव चूड़ा को राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ध्यान रखिएगा, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात की जाए, वास्तविक संस्थापक की बात अपन करें तो याद रखिएगा राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, राव चूड़ा को, और राव चूड़ा के समय ध्यान रखिएगा मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा
सामंती प्रथा की शुरुआत जो है वो किसके समय हुई थी, तो याद रखिएगा राव चूड़ा के समय। तो यानी कि सामंती प्रथा का शुरू जो संस्थापक है वो राव चूड़ा है, लेकिन सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, आपके राव जोधा को माना जाता है। दो प्रश्न आपके यहां पर कोरिलेट करके चलना पड़ेगा आपको ध्यान रखना। एक प्रश्न देखिएगा कि राठौड़ वंश का संस्थापक तो हो गया कौन, राव सिया, लेकिन राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया, आपके राव चूड़ा हो गया, ध्यान रखना। यहां पर बात आ रही है कि सामंती प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा के समय हुई थी, अर्थात सामंती प्रथा की जो स्थापना है या संस्थापक जो है मारवाड़ में वो राव चूड़ा है, लेकिन राव जोधा के समय सामंती प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको माना गया, राव जोधा को यहां पर माना गया है। तो ये चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा क्या करना है, कोरिलेट करके आपको यहां पर चलना प्रिय विद्यार्थियों, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रतापी राजा के रूप में अगर अपन बात की जाए, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका राव जोधा होगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा मारवाड़ का जो प्रतापी राजा माना पहला, वो किसको माना गया, राव जोधा को यहां पर माना गया था। क्लियर होगी बात आपकी, ठीक है। ये प्रश्न आपका क्या हो गया पोस्टमार्टम के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है कि जब तक मैं देश को अंधविश्वासों के प्रभाव से मुक्त नहीं कर दूंगा तब तक दूसरे देश नहीं जाऊंगा, पहले मैं उस अभियुक्त काफिर जो जड़ से उखाड़ो, काफिर को ध्यान रखिएगा यहां पर को है, काफिर को जड़ से उखाड़ूंगा, शेरशाह सूरी ने किसके लिए कहा, ध्यान रखना कोटेशन बहुत ही अच्छी है, शेरशाह सूरी के द्वारा कोटेशन की गई है। और इस प्रकार के प्रश्न आजकल अधिकतर उठाए जा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। प्रश्न क्या है कि जब तक मैं देश को अंधविश्वासों के प्रभाव से मुक्त नहीं कर दूंगा तब तक दूसरे देश नहीं जाऊंगा, पहले मैं उस अभियुक्त काफिर को जड़ से उखाड़ूंगा, शेरशाह सूरी ने किसके लिए कहा है, यानी कि काफिर का मतलब हिंदू, ठीक है। तो यहां की बात कर रही है कि शेरशाह सूरी ने किसके लिए कहा है। पहली बात, शेरशाह सूरी एक अफगान राजवंश से बिलोंग करता है, ध्यान रखना ये अफगान है, और शेरशाह सूरी के द्वारा ध्यान रखेगा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की गई थी, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना, द्वितीय अफगान साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा आपके शेरशाह सूरी के द्वारा, और कहां पर, तो याद रखिएगा दिल्ली यानी कि भारत के अंदर। क्लियर बात हो गई। तो यहां पर द्वितीय अफगान है, तो प्रथम अफगान साम्राज्य जो है वो कौन सा होगा, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों लोधी वंश की बात आती है, माय डियर ध्यान रखना लोधी वंश, ध्यान रखना लोधी वंश, बहलो लोधी, ध्यान रखना लोधी वंश, बहलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जो बहलो लोधी जो है वो लोधी वंश का संस्थापक है। ये पहला अफगान साम्राज्य है, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, लेकिन मुगल काल के समय ध्यान रखेगा, जब मुगल काल के समय दिल्ली पर शासन कर रहा था कौन, हुमायूं, और हुमायूं के समय ही आपको पता होगा कि आपके कौन आ चुका था, शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, ध्यान रखना 1540 में, और उसके बाद में दिल्ली की गद्दी के ऊपर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसी के समकालीन शासक आपको यहां पर बताना है, उदय सिंह, मालदेव, कल्याणमल या हुमायूं। याद रखिएगा हुमायूं जो है आपके मुगल वंश का शासक है, पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं ने दो बार शासन किया, ध्यान रखना हुमायूं के द्वारा दो बार शासन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। पहली बार शासन कब किया गया, तो याद रखिएगा 1530 से लेकर के 1540, और दूसरी बार की बात की जाए तो 1555 से लेकर के 56 के बीच में, इस बीच में ध्यान रखना 40 से 55 के बीच में इसको क्या करना पड़ा, भारत छोड़ना पड़ा, जिसका मुख्य कारण क्या है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा द्वितीय अफगान साम्राज्य की क्या करना, स्थापना करना। क्लियर हो गई आपकी। बहादुर जी हैप्पी बर्थडे गुरु, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, आप सभी के रूबरू हो रहा हूँ, ध्यान रखना जन्मदिन के अवसर पर जो मुझे बधाइयां दी जा रही है, मैं आज तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्लियर। अब आगे देखिएगा उदय सिंह की बात की जाए, देखो उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की गई, किसकी उपाधि, मोटा राजा की उपाधि जो है वो किसके पास में थी, तो याद रखिएगा उदय सिंह के पास में, और ये उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा मुगल बादशाह अकबर के द्वारा यहाँ पर प्रदान की गई थी। क्लियर हो गई बात आपकी। अब यहां पर शेरशाह सूरी ने किसके लिए कहा था, तो याद रखिएगा वो हिंदू शासक कौन था, तो याद रखिएगा राव मालदेव था प्रिय विद्यार्थियों, जिसको 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता जो है वो किसे कहा जाता है, मालदेव को। मालदेव को ध्यान रखिएगा भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहते हैं, भारत का
पुरुषार्थी राजकुमार जो है वो किसको कहा जाता है, तो आपके मालदेव को। और इसी मालदेव को ध्यान रखेगा पितृहंता पुत्र, ध्यान रखना मारवाड़ का पितृहंता पुत्र या राठौड़ वंश का पितृहंता पुत्र जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा आपके मालदेव को कहा जाता है। और शेरशाह सूरी ने जो ये कहा है वो किसके लिए, तो ध्यान रखना मालदेव के लिए कहा है। क्लियर साहिल वर्मा जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरिराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेघराज जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी धन्यवाद आपका। अजय जी बिल्कुल धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बधाई दे रहे हैं, उन सबका मैं एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप लोगों को। बिल्कुल कल्पना स्वामी जी बोल रहे हैं सर पार्टी कहां पर है, बिल्कुल आप आइएगा गंगानगर, पार्टी आपको यहीं पर मिलेगी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, मालदेव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिरि सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की जब हार निश्चित होने वाली थी तब कौन सेनापति नई सेना लेकर के आया। आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थी गिरि सुमेल के युद्ध की बात की जाए 1544 के अंदर, ध्यान रखना गिरि सुमेल जेतारण पाली, ध्यान रखना कहां पर लड़ा गया था, जेतारण के मैदान, ध्यान रखना पाली जिला आपका, यहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध जो था दो सेनाएं आमने सामने थी, एक तरफ आपको पता होना चाहिए राव मालदेव की सेना और एक तरफ आपको पता होना चाहिए किसकी सेना थी, आपके शेरशाह सूरी की सेना थी। राव मालदेव के दो सेनापति ध्यान रखिएगा जेता और कोंपा, दो सेनापति कौन थे जेता और कोंपा, ध्यान रखिएगा जेता और कोंपा के द्वारा यहां पर नेतृत्व किया जा रहा था, लेकिन राजा के द्वारा ही इनके ऊपर क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया गया था, क्योंकि यहां पर शेरशाह सूरी ने क्या चली एक चाल चली, जिस कारण मालदेव जो है यहां से युद्ध का मैदान छोड़कर के वापस जोधपुर लौट गया था और इसी अपमान को सहन नहीं कर पाए कौन, जेता और कोंपा। इसलिए किससे भिड़ गए थे, शेरशाह सूरी से भिड़ गए थे। पहले प्रारंभिक में ध्यान रखना पहले युद्ध के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि राव मालदेव के दोनों सेनापति जेता और कोंपा के द्वारा भयंकर विद्रोह किया गया, भयंकर कहना प्रघात किया, आघात किया किसके ऊपर, शेरशाह सूरी की सेना पर। और लगभग अपन कह सकते हैं कि इसकी परिस्थिति कैसी हो गई थी, शेरशाह सूरी की हारने वाला था, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों उसी समय एक सेनापति जो है वो रिजर्व सेना लेकर के आया था, वो कौन था आपको यहां पर बताना है, हसन खां फरीद खां जलाल खां जलवानी या फिर बहार खां लोहानी, कौन था फटाफट से बताइए। रवि कुमार ए, बी जलाल खां आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से। और सब क्लास को वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, जल्दी से बताइए। देखिएगा प्रिय विद्यार्थी हसन खां की बात की जाए तो ये ध्यान रखना हसन खां जो था ये शेरशाह सूरी के पिता थे, शेरशाह सूरी के पिता की बात की जाए तो उसका नाम क्या आता है आपके हसन खां। फरीद खां की बात की जाए तो ये शेरशाह सूरी का बचपन का नाम है, ध्यान रखना शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बचपन का नाम क्या था फरीद, ध्यान रखना। बहार खां लोहानी ध्यान रखिएगा दक्षिण बिहार का सूबेदार, दक्षिण बिहार का क्या था यह, दक्षिण बिहार का सूबेदार था, यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। और इसी बहार खां लोहानी के द्वारा शेरशाह सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की थी, शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। आपको पता होगा जब फरीद ने एक शेर मार दिया था एक ही वार से, एक ही तलवार के वार से, तो उस समय इस बहार खां लोहानी के द्वारा ध्यान रखना उसको शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, ध्यान रखना। क्लियर, तो यहां पर आपका राइट आंसर रहने वाला है वो कौन है, जलाल खां जलवानी, दिल्ली से कह रहा नई रिजर्व सेना लेकर के आया था, जिस कारण से शेरशाह सूरी जो है इस युद्ध में विजय हुआ। और शेरशाह सूरी को अंत में यहां पर कहना पड़ा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाह खो देता। क्लियर हो गई बात आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। अब अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पता होगा जब जोधपुर चित्रशैली की बात चल रही थी तो वहां पर मान सर जो है आपको इस बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे, तो ध्यान रखना प्रश्न क्या है, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का दरवाजा का मतलब धर्म विरोधी, ध्यान रखना कौन धर्म विरोधी मारा गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर जसवंत सिंह अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ मालदेव, मालदेव को अपन कहते हैं 52 युद्धों का विजेता, क्या कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ध्यान रखना। और इस मालदेव के जीवन के दो युद्ध महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थी एक चीज ध्यान रखना, एक तो है पाहेबा साहेबा का युद्ध, कौन सा युद्ध पाहेबा साहेबा का युद्ध, और एक ध्यान रखिएगा कौन सा है आपके गिरि सुमेल का युद्ध, कौन सा गिरि सुमेल का युद्ध, बैटल ऑफ गिरि सुमेल और बैटल ऑफ आपके पाहेबा साहेबा, ये दो महत्वपूर्ण 1541 और 1544
1544 में लड़े गए, ध्यान रखना। पायबा साहिबा का युद्ध जो है ये 1541 में हुआ, और गिरी सुमेल की बात की जाए तो ये आपका 1544 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। ये फलोदी जोधपुर के पास में हुआ और ये जेतारण पाली के अंदर हुआ, इसलिए इसको जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो इसको ध्यान रखिएगा अपन क्या कहते हैं, राठौड़ों का यूसीलेस कहते हैं, क्या कहते हैं, राठौड़ों का यूसीलेस के नाम से जानते हैं, या इसको राठौड़ों का यूजिलिशियस भी कहते हैं, यूजिलिशियस के नाम से भी इसको यहां पर जाना जाता है, या इसी को अपन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती के नाम से भी इसको यहां पर जाना जाता है, किसको, दुर्गादास राठौड़ को, यह चीज आपको ध्यान रखना, क्लियर। अजीत सिंह की बात की जाए तो अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा, ध्यान रखना, कान का कच्चा कहा गया था अजीत सिंह को, और किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा गौरी शंकर ओझा के द्वारा, किसके द्वारा, ओझा जी के द्वारा, ध्यान रखना, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा कान का कच्चा इनको यहां पर कहा गया था, क्लियर। जसवंत सिंह की बात की जाए फिर विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, 1638 से लेकर के 1678 ईस्वी का रूलिंग पीरियड जसवंत सिंह का रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, अर्थात ये जसवंत सिंह प्रथम की बात अपन यहां पर कर रहे हैं, और जसवंत सिंह प्रथम की 1678 के अंदर आपको पता होगा कि कहां पर मृत्यु हो गई थी, जमरूद में, ध्यान रखना, जसवंत सिंह अफगानिस्तान में गए थे अमरूद खाने के लिए, और अमरूद के साथ में जमरूद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, तो 1678 में इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय औरंगजेब ने कहा था, तो यहां पर राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या रहेगा, महाराजा जसवंत सिंह रहेगा, क्या रहेगा, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के ऊपर ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, क्लियर होगी बात, और इन्हीं का काल जो है आपके मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली का जो है स्वर्ण काल कहलाता है, जसवंत सिंह प्रथम का काल, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां स्थित है, ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ जो है ये जसवंत सिंह के दरबार में थे, किसके दरबार में, जसवंत सिंह के दरबार में, जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थी, आपको यह ध्यान रखना है, और इन्हीं जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा ध्यान रखिएगा दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा था, तो याद रखिएगा मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक जो है वो किसको कहा गया, तो याद रखिएगा जसवंत सिंह ने किसको कहा था, दुर्गादास राठौड़ को कहा था, और जसवंत सिंह के जब पुत्र नहीं हुआ था, जिस कारण कहा जाता है कि साहब इसको क्या नाम खालसा घोषित कर दिया गया था मारवाड़ को या जोधपुर को, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, तभी जसवंत सिंह के पुत्र नहीं होने पर, ध्यान रखिएगा 1679 के अंदर जो है अजीत सिंह का जन्म हुआ था, और उसी समय औरंगजेब ने जो है उसको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, और उसी की कैद से मुक्त करवाने के लिए यहां पर जो जिम्मेदारी ली थी वो किसके द्वारा, दुर्गादास राठौड़ के द्वारा ली गई थी, इसीलिए इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राठौड़ों का यूजिलिशियस के नाम से या यूसिलियस के नाम से इनको यहां पर जाना जाता है। तो इनकी जो छत्री है प्रिय विद्यार्थी वो कहां पर है, उज्जैन में, और उज्जैन जो है आपका किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। खमनौर में ध्यान रखिएगा, खमनौर जो है आपका कहां पर है, राजसमंद के अंदर आपका खमनौर। जोधपुर की बात की जाए, जोधपुर की स्थापना जो है 1459 के अंदर राव जोधा के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, राव जोधा के द्वारा। खमनौर के अंदर ध्यान रखिएगा हकीम खां सूर का, ध्यान रखना, हकीम खां सूर का मकबरा, हकीम खां सूर का मकबरा जो है वो कहां पर बना हुआ है, खमनौर के अंदर बना हुआ, ध्यान रखना, यह चीज आपको ध्यान रखना है। मंडोर की बात की जाए तो मंडोर जो है आपका कहां पर है, जोधपुर में, और मंडोर में ध्यान रखिएगा राजस्थान का एकमात्र कौन सा मंदिर है, रावण मंदिर आपका यहां पर क्या है, स्थित है, और आपको पता होगा कि मंडोर का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा था, तो मंदोदरी के नाम पर पड़ा था, और मंदोदरी जो है ये रावण की रानी है, ध्यान रखिएगा, रावण की पत्नी या रानी की बात की जाती है, या श्रीलंका की रानी, ध्यान रखिएगा, या सिंहल द्वीप की रानी, श्रीलंका की रानी है, ध्यान रखना। जबकि राजकुमारी की बात की जाए तो ये मंदोदरी जो है ये राजस्थान की राजकुमारी है, राजस्थान की क्या थी, राजकुमारी थी, और आपको पता ये होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों कि जोधपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर दशहरा जो है वो हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाता है, एक दुख के साथ में यहां पर मनाया जाता है। बाकी संपूर्ण भारत के अंदर दशहरा जो है हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया जाता है, केवल और केवल ओनली जोधपुर के अंदर जो है उसको दुख के साथ में इसको मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजस्थान में जोधपुर मंडोर के अंदर रावण का विवाह मंदोदरी के साथ में हुआ था, अर्थात रावण अपने क्या है, फूफा जी हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के ध्यान रखिएगा, आगे की क्लास जो है आपके क्या नाम जो साइंस की होने वाली है,
आगे की क्लास जो है आपकी एग्रीकल्चर, सॉरी है ना, कृषि की आपके ना एग्रीकल्चर की क्लास होने वाली है, तो आइए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज अपने डिस्कस करेंगे मृदा विज्ञान के जो नेक्स्ट टॉपिक है। वैसे तो कल अनाउंस कर दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल यानी मृदा की संरचना, उसके बाद अपने बात करेंगे मृदा प्रक्षेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल, और तीसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉप सॉइल एंड सब सॉइल यानी प्रस्टीय मृदा व अवमृदा। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एग्रीकल्चर का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देना, इन तीनों टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं। अगर आज आपने ये क्लास एंड तक ले ली, इसका मतलब है कि आपके एक व दो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो पक्के हो जाते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान का परिचय, और परिचय में हमने बात की थी कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है यानी मृदा निर्माण कैसे होता है, और उसके साथ साथ अपने बात की थी कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है यानी मृदा की परिभाषा क्या है, और सॉइल साइंस क्या और सॉइल साइंस की ब्रांचेज क्या है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मृदा की संरचना की, उसके बाद मृदा प्रक्षेदिका, और उसके बाद प्रस्थीय व अवमृदा। तो फटाफट लाइव आ जाइए, जो भी दोस्त है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अपने दोस्तों से शेयर करिए, फटाफट लाइव की संख्या बढ़ाइए, और लाइक में कंजूसी ना करिए, फटाफट लाइक भी कीजिए। तो फिर अपने जो सबसे पहला पार्ट है यानी मृदा की संरचना, उस पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट लाइव आ जाइए, जो स्टूडेंट अभी लाइव नहीं हुए हैं वो फटाफट लाइव हो जाइए, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा की संरचना, है ना। मृदा जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो मृदा संरचना जो है उस पर अपने बात करेंगे। सॉइल की स्ट्रक्चर क्या होती है यानी मोटा मोटा उसका स्ट्रक्चर क्या है। इससे देखो बहुत ही सिंपल सा होता है ये टॉपिक जो होता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, फिर भी अपने कई बार क्या है इसको गलत कर देते हैं। देखो मैंने ये जो यहाँ पर इमेज दे रखी है आपके सामने, ये सॉइल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये तो बहुत मोटा मोटा है, अपने थोड़ा सा इसमें डिटेल से बात करेंगे। अगर अपने एवरेज बात करें तो देखो ये मृदा को हमने पाई डायग्राम से आपको दिखाया है, ये इसका 100% आयतन दिखाया है। पाई डायग्राम जो है वो 360 डिग्री कोण पे बनता है, और उसको पूरे को हम 100% में दिखाते हैं। तो जब हम मृदा की संरचना की बात करेंगे तो मृदा का जो 50% भाग होता है वो ठोस होता है, ये इधर वाला भाग ठोस होता है, 50% जो भाग है वो ठोस होगा ना, सॉलिड होगा वो 50% होगा, और बाकी जो 50% बच गया, इधर जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या होता है, रंध्रावकाश होता है, पोरोसिटी होती है, यानी कहेंगे कि इसमें रंध्र होते हैं, 50% रंध्र होते हैं और 50% क्या होता है, ठोस होता है। ये एक औसत मृदा की बात होती है, बाकी जैसे क्ले होता है तो उसमें रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ जाता है, और अगर बालू होता है तो रंध्रावकाश प्रतिशत है वो घट जाता है। मैंने यहाँ 50-50% बताया, रंध्र भी कितने हैं 50% है, और ठोस है वो भी कितने हैं 50% है। अगर यहां पर हम क्ले की बात करते हैं, क्ले यानी चिकनी मिट्टी की बात करते हैं, तो चिकनी मिट्टी में रंध्रावकाश 58% हो जाता है, इसका मतलब सॉलिड कितना बचा, सॉलिड फिर 42 ही बचा ना। और वहीं पर अगर हम बालू की बात करते हैं तो बालू के अंदर जो रंध्रावकाश प्रतिशत होता है वो 40 ही होता है, इसका मतलब जो ठोस है वो कितना हो गया 60%। ये बात आगे जब हम मृदा घनत्व पढ़ेंगे यानी डेंसिटी पढ़ेंगे, सॉइल डेंसिटी पढ़ेंगे, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, वहां पर ये बहुत जरूरी है याद रखना। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो सॉइल डेंसिटी आप नहीं समझ सकते, मृदा घनत्व आप नहीं समझ सकते। दो तरह का घनत्व होता है ना, एक स्थूल घनत्व होता है और दूसरा कण घनत्व होता है। चलो वो जब आएगा तब हम दोबारा से फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो क्ले होता है उसका जो रंध्रावकाश होता है वो कितना होता है 58%, और बालू होता है उसका कितना होता है 40% होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ये मैंने जो ठोस बताया 50%, इसमें से 45% खनिज होता है, 45% जो भाग होता है ये मिनरल्स का होता है, ये 45% मिनरल्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, बालू होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है,
जनरली जो मिट्टी का सबसे बड़ा कण होता है वो बालू होता है, सबसे छोटा होता है वो क्ले होता है, और बीच का होता है वो सिल्ट होता है। तो कणों को तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। उसके अलावा और भी कई इसमें पार्टिकल हो सकते हैं, जिप्सम के हो सकते हैं, चुन्नी के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे जो खनिज हैं। आपको जो दिख रहा है मिट्टी में सॉलिड, उसमें दो चीज हो सकती है। एक तो कार्बनिक पदार्थ, जो जीव है, जीवों का अवशेष है, वो कार्बनिक पदार्थ है, और उसको छोड़ के वहां पर जो भी आपको दिखेगा वो सारा का सारा मिनरल है, यानी खनिज है। मिट्टी का कण अपने आप में क्या होता है? खनिज होता है। पीछे मैंने आपको मृदा निर्माण की बात की थी, तब बताया था मृदा निर्माण दो चरणों में पूरा होता है। चट्टानों से क्या बनेगा? रिगोलित, और रिगोलित से क्या बनेगा? मृदा। चट्टाने क्या है? खनिजों के संगठन को चट्टाने कहते हैं। चट्टानों के टूटने से, यानी खनिजों के टूटने से खनिज बनेंगे, और फिर खनिजों के टूटने से खनिज बनेंगे, यानी मृदा अपने आप में खनिज है। और उसमें कोई अगर सॉलिड मटेरियल आ सकता है तो वो जीव या जीवों का अवशेष आ सकता है, उसको हम कार्बनिक पदार्थ की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो 45% जो टोटल ये 50 है, ठोस ठोस जो है, इसमें से 45 जो है वो कौन सा होगा? मिनरल्स होगा। 5% होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। 5% होगा वो जनरली क्या है? कार्बनिक पदार्थ होता है। पहले हम ठोस की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या है जो रंध्र है उसकी बात करेंगे। मैंने कहा कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? 5%, औसत 5% होता है, ठीक है। इस 5% को अपने पूरा मान ले 100%, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें और कोई बात नहीं करें, तो इस कुल ऑर्गेनिक मैटर में से, कार्बनिक पदार्थ में से 10% तो पौधे की जड़ें होती है भूमि में, मृदा के अंदर 10% है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, और 80% जो होता है वो ह्यूमस होता है। 80% है वो क्या होता है? ह्यूमस होता है। देखो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। मिट्टी के कुल आयतन में से, मृदा के कुल आयतन में से 45 खनिज होता है, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, और इस कार्बनिक पदार्थ में 10% जड़े, 10% सूक्ष्म जीव, और 80% क्या होता है? ह्यूमस। अब बात आती है ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस होता है कंप्लीटली डीकम्पोज ऑर्गेनिक मेटेरियल, यानी पूर्णतया सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ। पूर्णतया सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पूरे मृदा के आयतन में से कार्बनिक पदार्थ औसत 5% होता है। अलग अलग मृदाओं में अलग अलग हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। अब मैं बात करूं भारत में सबसे कम कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा, राजस्थान की, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाएं हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ 0.1% से भी कम होता है। सुपरवाइजर का जो पहला एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, ये 9 में हुआ था शायद, या पता नहीं बीकानेर यूनिवर्सिटी ने करवाया था, मुझे ईयर पक्का याद नहीं है। उसके अंदर आया था कि जो मरुस्थलीय राजस्थान की मृदाएं हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? 0.1% से भी कम होता है। ये कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होता है। ये कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है अपने आप में बहुत कम है। आपसे पूछ ले भारत में किन मृदाओं में सबसे कम कार्बनिक पदार्थ है, आप बोलोगे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाओं में। पूरे भारत में से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए आप सबसे कम कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा मैंने बता दी। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 90% या इससे ज्यादा होता है उनको पीट मृदाएं कहते हैं। उनको अपने क्या बोलेंगे? पीट मृदाएं। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 90% या उससे ज्यादा होता है उनको पीट मृदाएं कहा जाता है। एक चीज हमेशा माइंड में ध्यान में रखनी है आपको, कहीं भी सड़न होती है, अपघटन होता है, किण्वन होता है, वहां पे माध्यम हमेशा अम्लीय होता है। वहां पे माध्यम हमेशा अम्लीय होगा। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे जैसे मृदा में, कार्बनिक पदार्थ जैसे जैसे मृदा में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मृदा की अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अब देखो औसत तो 5% कार्बनिक पदार्थ और यहां 90% कार्बनिक पदार्थ, ये मृदाएं बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है और इनका जो पीएच मान है वो 4 या 4.5 से भी कम होता है। और जब पीएच मान 4.5 से कम हो जाता है तब वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाती है, यानी बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है, और इन परिस्थितियों के अंदर खेती करना संभव नहीं होता है। यानी पीट मृदाओं के अंदर अगर हम कोई सुधारक डालेंगे तो वो सुधर कर खेती के योग्य होगी, अदरवाइज उसमें खेती नहीं की जाती है। ये पीट मृदाओं की समस्या है। इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, हम जनरली कहते हैं जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा उर्वर होती है, लेकिन यहां पर तो क्या है, कार्बनिक पदार्थ ही है सारे का सारा, फिर भी यहां पर खेती नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो उर्वर है ही कहां।
ये तो उर्वरता का मतलब क्या होता है, किसी मृदा द्वारा पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, यहां तो पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता गड़बड़ा जाती है। तो ज्यादा कोई भी चीज है अति जो है ना वो हमेशा ही बुरी होती है। चार रोटी की भूख अच्छा है खा लोगे तो नींद आएगी, क्लास कोई और ही लेगा, समझ गए ना। तो कार्बनिक पदार्थ एक लिमिट में ठीक होता है, उससे ज्यादा होने पर वो नुकसानदायक होता है, उससे ज्यादा होने पर क्या होगा वो नुकसानदायक होगा, फिर वो फायदेमंद नहीं रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। पीट मर्दाएं होती है उनको मक मर्दाएं कहते हैं, बोग मर्दाएं कहते हैं। उसके अलावा जहां पर घास के मैदान होते हैं वहां की पीट मर्दाओं को अपने फेन बोग मर्दा भी कहते हैं। कई तरह के नाम होते हैं, जब अम्लीय लवणीय सारीय मर्दाएं पढ़ेंगे वहां पर इसकी बात करेंगे, लेकिन यहां तो कार्बनिक पदार्थ की बात आ गई इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैंने कहा था कि जहां पर सबसे कम कार्बनिक पदार्थ है भारत में, ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सबसे कम कार्बनिक पदार्थ है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा। क्यों? वहां पानी की कमी है, वनस्पति कम है तो कार्बनिक पदार्थ आएगा कहां से, जहां वनस्पति होती है वहीं पर जंतु ज्यादा होते हैं, और वनस्पति और जंतु है उनके अवशेष है, उनके अवशिष्ट है, वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम क्यों होती है। अब बात आती है, देखो औसत जो है वो 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। औसत जो है वो कितना कार्बनिक पदार्थ होता है, औसत है वो 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। लेकिन अगर ये कार्बनिक पदार्थ 5% की बजाय 20% से ऊपर निकल जाता है, अगर किसी मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से ज्यादा होती है तो उस मर्दा को कार्बनिक मर्दा कहते हैं, ऑर्गेनिक सोइल कहते हैं। गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर किसी मर्दा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक होती है तो वो कार्बनिक मर्दा है। 20% से कम होगी तो कौन सी हो जाएगी, 20% से ऊपर है यानी कार्बनिक पदार्थ की डोमिनेंसी बढ़ रही है, कार्बनिक पदार्थ का प्रभाव बढ़ रहा है तो हमने उसको कार्बनिक मर्दा कहा। और अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से कम होती है इसका मतलब किसका प्रभाव ज्यादा है, खनिज का प्रभाव ज्यादा है, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, खनिज मर्दा बोलेंगे। गौर से सुनिए, अगर किसी मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से ज्यादा है तो कार्बनिक मर्दा है, 20% से कम है तो खनिज मर्दा है, और किसी मर्दा में अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 90% या उससे ज्यादा हो जाती है उसको पीट मर्दा कहते हैं। पीट मर्दा को मक मर्दा, बोग मर्दा है ना, ये भी कई नामों से भी जाना जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ के आधार पर आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि औसत मर्दाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 5% होती है। औसत मर्दाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% होनी होती है, और जो मिनरल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 45% होते हैं। ये तो हो गई ठोस की बात। मिनरल्स के अंदर क्या होता है, सैंड सिल्ट क्ले मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने चट्टानों से संबंधित होगा, उसके बाद मर्दा के भौतिक गुणों पर बात करेंगे। मर्दा के भौतिक गुणों पर जब हम बात करेंगे तो वहां पर मर्दा कणाकार आएगा, और मर्दा कणाकार को समझने के लिए मर्दा कण पढ़ेंगे अपने, तो वहां पर मैं बालू सिल्ट और कले के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं अब इस भाग में। मैंने कहा 50% मिट्टी में रंध्र होते हैं। देखो जहां कण होते हैं उनके बीच में जगह तो बचेगी, उनके बीच की जो जगह है वो रंध्र होते हैं, और ये जो रंध्र होते हैं इनमें दो चीजें हो सकती है, हवा और पानी, या तो हवा या पानी या फिर दोनों ही। अब देखिए 25% औसत हवा होती है, वायु होती है, और 25% औसत है वो क्या होता है, जल होता है। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर मैंने इस तरह का सा निशान लगा दिया। ये क्यों लगाया है, मैंने ये इसलिए लगाया है कि 25% जो वायु है उसकी जगह कुछ पानी भी ले सकता है, और पानी की जगह हवा भी ले सकती है। कैसे ले सकती है, आप सोचिए कि मार्च के बाद हमने फसल काटने के बाद कोई जमीन को पानी नहीं दिया और लंबे समय से बारिश भी नहीं हुई है, तो अब मृदा में 25% थोड़ी नमी बचने वाली है। अब मिट्टी में तो नमी कम होती गई क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से सूखती गई, तो वो रंध्र है वो पानी के बगैर हो गए तो वहां पर किसने जगह ले ली, वायु ने जगह ले ली, तो अब क्या होगा, सूखी मृदा में वायु का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और अभी अभी हमने खेत में पानी लगाया है तो सारे के सारे रंध्र है वो पानी से भर जाएंगे, मृदा संतृप्त हो जाएगी, तो वायु सारी की सारी कहां है, बाहर निकल जाएगी। उस समय वायु की जगह कौन ले लेगा, पानी ले लेगा। इसलिए ये बीच के अंदर है वो इंटरक्रॉस टाइप का बनाया हुआ है कि मर्दा के जो रंध्रावकाश होते हैं वो 50% होते हैं, उसमें 25% वायु होता है, 25% उसके अंदर जल होता है।
और वायु और जल होते हैं वो एक दूसरे के अंदर स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। बाकी हम जनरली फील्ड कैपेसिटी पढ़ते हैं, फील्ड कैपेसिटी क्षेत्र धारण क्षमता, ये क्षेत्र धारण क्षमता की स्थिति होती है, क्षेत्र धारण क्षमता पर 25% वायु होती है और 25% जल होता है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र धारण क्षमता पर ऐसा देखने को मिलता है। बाकी उससे ज्यादा अगर पानी होगा तो फिर क्या होगा, आपको पानी की मात्रा है वो 25% से ज्यादा दिखेगी, और मृदा सूखी होगी तो फिर आपको क्या होगा, जनरली वायु है उसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। अब देखो मैंने बात की वायु की, आपके एक टॉपिक है जनरली मृदा वायु, मृदा के भौतिक गुणों के अंदर आता है, अगर आप गौर करोगे तो अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर करवा दूंगा, ठीक है। तो साथ साथ में अपने मृदा वायु की भी बात कर लेते हैं। मृदा के अंदर वायु की अगर बात की जाए, देखिए अगर हम बात करें वायुमंडल की, मृदा की बाद में करेंगे ना, वायु के संगठन को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। सतह से लेकर जहां तक गैसों का संगठन फैला हुआ है उसको वायुमंडल कहा जाता है, और वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 78.08% होता है। आप जनरली इसको कितना बोल देते हो, सिंपली राउंड फिगर में 78% बोल देते हो। दूसरी मैं बात करूं जो वायुमंडल है उसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है, 20.95% होता है, और इसको आप जनरली क्या बोल देते हो, 21% राउंड फिगर में बोल देते हो। नेक्स्ट अपने बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वायुमंडल में 0.033% होता है, ठीक है। ये जो डेटा है ये प्रतिशत के अंदर दिया हुआ है, और सिंपली आप 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के अंदर बताते हैं। ये तो पूछा गया है यहाँ पे प्रतिशत में, किसमें सॉरी पूछा क्या गया, मैंने बताया आपको ये तो जनरली किसमें बताया मैंने आपको, प्रतिशत के अंदर। आजकल एग्जामिनर बहुत शाणे हो गए, क्वेश्चन तो सिंपल ही देते हैं लेकिन क्वेश्चन की भाषा ऐसे लिख देते हैं कि गड़बड़ हो जाता है मामला, आते हुए भी नहीं आता है। प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंट, परसेंट मतलब 100 में से अगर तुलना की जाए तो हम उसको प्रतिशत बोल देते हैं। एक होता है ppm, ppm की फुल फॉर्म बताइए फटाफट क्या होता है ना, बताइए भी ppm की फुल फॉर्म क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे, देखते हैं कौन से ही बताता है ppm की फुल फॉर्म, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। सबका आंसर ठीक आ रहा है, नाम अभी नहीं, नाम देखो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जस्ट अपने इसी टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, हमेशा ही करते हैं उसी तरह से, पहले अपने थ्योरेटिकल बात करते हैं, वहां पे आपके कमेंट सही आते हैं या गलत आते हैं उन पर अपने बात करेंगे, ठीक है। तो ppm का जो आंसर है वो सब लोग लगभग ठीक दे रहे हैं, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, है ना, नाराज नहीं होना जी, मारो नाम को नहीं पढ़ो, है ना, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख में से भाग, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में से भाग। आपने डेटा प्रतिशत में याद किया लेकिन अगलों ने किस में पूछ लिया, ppm के अंदर पूछ लिया, ppm का मतलब कितने में से होता है, जो ppm है वो पार्ट पर मिलियन यानी 10 लाख में से भाग। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोलेंगे, 10 लाख में से भाग, जो 10 लाख में से होगा वो क्या होगा, ppm होगा, और जो 100 में से तुलना की जाएगी वो कौन सा होगा, प्रतिशत होगा। अगर हमें इनको किसमें बदलना है, ppm में बदलना है, तो मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप प्रतिशत को ppm में बदलना चाहते हैं, प्रतिशत टू ppm, प्रतिशत परसेंट टू ppm में बदलना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा काम करिए, जो प्रतिशत है उसको 10,000 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत है उसको क्या करेंगे आप, 10,000 से गुणा कर देंगे तो आपका जो प्रतिशत है वो ppm में बदल जाएगा। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को फटाफट ppm में बदल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फटाफट ppm में बदल दीजिए, देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपके समझ में आया है या नहीं है, आपका जो IQ लेवल है वो भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा चेक हो जाएगा। कई गजब गजब कमेंट करते हैं तो चलो उनका ये भी पता लग जाएगा कि वो कमेंट करने में एक्सपर्ट है या फिर आंसर देने में भी एक्सपर्ट है। फटाफट बताइए, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसको अपने कितने से गुणा करना है, 10,000 से गुणा करना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा होती है 330 ppm या फिर 0.033% होती है, बस जस्ट सिंपल है। अब कईयों ने आंसर दिया है 300, सोनू कटारिया जी गलत है, कईयों ने दिया है 3000, कईयों ने 300, कईयों ने 300 ppm, कईयों ने 330 ppm दिया, जैसे ममता ब्रोच, शाबाश। उसके अलावा कृष्ण ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, भीमसेन का भी आंसर ठीक है, राम प्रसाद, विनोद मीणा, हनुमानगढ़ वाले शाबाश, अनुराधा, प्राग राजपूत, जोहन स्टूडियो,
पवन रावत है ना, इको फ्रेंडली ने गलत दे दिया अभी आंसर, उदयदीप है ना। तो ये ठीक है, पीपीएम प्रतिशत से पीपीएम में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखिए, ये तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, प्रतिशत से पीपीएम में। कई बार ऐसा भी मामला फंस जाता है कि पीपीएम वाले को प्रतिशत में बदलना पड़ता है, पीपीएम टू परसेंट। सिंपल सा उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा, उल्टा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम को 10,000 से भाग दे देंगे, पीपीएम को 10,000 से भाग दे देंगे तो वो पीपीएम है वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। अभी मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता हूं, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। देखो जो सोडियम बेंजोइड होता है, सोडियम बेंजोइड आप लोगों ने नाम सुना, थोड़ा सा टॉपिक से हटे हैं बस सिर्फ इसकी वैल्यू बताने के लिए। सोडियम बेंजोइड है वो जनरली जो पेय पदार्थ होते हैं या परिरक्षित पदार्थ होते हैं उनमें अपने अधिकतम सीमा में 600 पीपीएम ले सकते हैं, अधिकतम सीमा में 600 पीपीएम ले सकते हैं पीपीएम में। क्वेश्चन क्या आया था कि सोडियम बेंजोइड को परिरक्षक के रूप में कितनी मात्रा में काम में लिया जाता है। अब देखो इसके अंदर उसने क्या दे दिया, जो आंसर है वो जनरली प्रतिशत में दे दिया, ए आंसर दे दिया 0.1% से कम, बी ऑप्शन दे दिया 1% से कम, ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया इसी तरह से 1 से 10%, और डी ऑप्शन शायद 10 से प्लस दिया होगा, ये इस तरह से दिया। तो अगर हमें पीपीएम को प्रतिशत में नहीं बदलना आता तो हम किस तरह से राइट करेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा, 600 पीपीएम जो है वो सोडियम बेंजोइड आप यूज कर सकते हो। सोडियम बेंजोइड जो रंगीन उत्पाद होते हैं उनको परिरक्षक करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे सॉस है, केचप है ना, इनके अंदर अपने काम में लेते हैं। अब अपने इसको क्या करेंगे, 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देंगे तो 0.06 आंसर आता है। कितना आता है, 0.06 आंसर आता है, 0.06%। अगर ये आपको फॉर्मूला पता होता तो अगर आपके क्वेश्चन आता तो आप उसको गलत नहीं करते, सीधा सीधा राइट क्वेश्चन की तरफ चले जाते, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। अपनी बात चल रही थी मर्दा वायु की, अपनी बात जो चल रही थी वो चल रही थी मर्दा वायु की, तो मैंने वायुमंडल की वायु का संगठन बता दिया। अब भी ऐसा क्यों किया है ना, आप सोचेंगे भी ऐसा क्यों कर दिया, मर्दा की बात चलते चलते वायुमंडल पे चले गए ना। तो देखो इसका कारण है हमें तुलना करनी होती है। अब मर्दा की जो गैसें हैं उनकी बात करें, मर्दा में जो नाइट्रोजन होता है वो 79.2% होता है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो किसकी तुलना से ज्यादा होता है, वायुमंडल की तुलना से ज्यादा होता है। बस ये तुलना करने के लिए ही मैंने जनरली आपको वायुमंडल के गैसों का संगठन बताया था, और आपके टॉपिक भी है मौसम व जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। हर कोई एग्रीकल्चर का एग्जाम है उसके अंदर ये टॉपिक होता ही होता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे कोई से भी लेवल का, तो वहां पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन जो होता है वो मिट्टी के अंदर 20.6% होता है, जो वायुमंडल की तुलना से कम होता है। ये कम क्यों होता है, ये ज्यादा क्यों होता है, इसकी भी अपने बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मर्दा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.25% होता है। तो ये तुलनात्मक, देखो नाइट्रोजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन है वो वायुमंडल की तुलना से कम होता है। लेकिन आप सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कौन सा सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट हुआ है, सबसे ज्यादा जो मात्रा वायुमंडल और मर्दा के बीच में फ्लैक्चुएट हुई है वो मात्रा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो वायुमंडल की तुलना से मर्दा में लगभग 10 गुना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, वायुमंडल की तुलना से मर्दा के अंदर लगभग 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, प्री पीजी में आया हुआ है, डबल ए के एग्जाम में आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है दूसरे एग्जाम में आना तो बहुत आम बात है। आप और एग्जाम में जब क्वेश्चन आया कि मर्दा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, आईसीआर में तो पूछा गया था मर्दा से कितना, सॉरी वायुमंडल से कितने गुना ज्यादा होता है, मैंने अभी बताया कि वायुमंडल से 10 गुना ज्यादा आता है। पीजी और डबल ए के अंदर जब क्वेश्चन आया था तब पीपीएम में मात्रा पूछ ली थी मैंने, तो यहां प्रतिशत में बताई है, मैंने कहा था प्रतिशत को कितने से गुणा कर दो, आप 10,000 से गुणा कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे 2500 पीपीएम आ जाएगा। तो वहां पर जो राइट आंसर था वो 2500 पीपीएम ही था। जो मैं क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं उनको अच्छे से याद कर लेना, पक्का आपके वो एग्जाम में मिलने वाले हैं, आपसे उनका मिलन होने वाला है, ठीक है। ऐसे मत समझना, क्योंकि जब यूट्यूबर क्रिएटर हो जाते हैं तब हर क्वेश्चन पे बोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसी बात नहीं है। जिस पे मैं सबसे ज्यादा जोर दूं, जिससे
सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करूं जिस क्वेश्चन को, समझो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा और आप देखते रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास में पूरा मजा आ रहा है, आप एजुकेशन के साथ स्टडी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैंने कहा था जो टीचर होता है उसके लिए मोटिवेशन डोज हमेशा आपकी वॉचिंग व्यूज होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे वायुमंडल और मृदा के अंदर कंपैरिजन आपको बता दिया है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आया, वायुमंडल की तुलना से मृदा में ये गैसों का संगठन है, इसके अंदर ये बदलाव क्यों देखने को मिला, इसके पीछे कारण क्या होता है। ढंग से समझ लीजिएगा, लॉजिकल सी बात है, ये मृदा की सतह है, यहां पर मिट्टी के कण हैं और मिट्टी के कणों के बीच में रंध्र है और रंध्रों के बीच में ही वायु रहनी है। तो ये जो कण है ये ठोस भाग है, ये गैसों के लिए बीच में बैरियर बनेंगे, रुकावट बनेंगे, यानी गैसों के विसरण की जो दर होती है उसको क्या करेंगे, धीमे करेंगे। जैसे जैसे मृदा गहरी होती जाती है वैसे वैसे मृदा कठोर होती जाती है, जैसे जैसे मृदा गहरी होती जाती है वैसे वैसे मृदा कठोर होती जाती है, जैसे जैसे गहरी होगी वैसे वैसे रंध्रावकाश प्रतिशत भी कम होता जाता है, पोरोसिटी कम होती जाती है। मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ मिट्टी सघन होती है, डेंस होती है या कठोर होती है, रंध्रावकाश प्रतिशत कम होता है, और जब रंध्र कम होंगे तो वायु की विसरण दर भी क्या होगी, कम होगी। सोचिए, एक तो आपने खुले के अंदर एक सिलेंडर है उसको खोल दिया और एक सिलेंडर है उसको मिट्टी में दबा के खोला, तो सबसे पहला कौन सा खाली होगा, जो वायुमंडल में आपने खोला है, क्योंकि वायुमंडल में कोई गैस के लिए बैरियर नहीं है, कोई रोक रुकावट नहीं है, वो फटाफट बिखरेगी, विसरित होगी। मिट्टी के अंदर कणों की रुकावट है जिसकी वजह से विसरण दर क्या होगी, धीमी होगी। इसलिए मर्दा के अंदर गैसों की विसरण दर हमेशा ही कम होती है। मैंने कहा था आपके एक टॉपिक है कौन सा, सोयल एयर, तो सोयल एयर में यही चीजें पूछी जाती है। सोयल की डेप्थ बढ़ने के साथ, गहराई बढ़ने के साथ साथ मर्दा सकन होती है, मर्दा का घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, जिससे रंध्रावकाश प्रतिशत पोरोसिटी कम होती है, रंध्रावकाश प्रतिशत कम हो गया तो विसरण दर भी कम होगी, रंध्र कम है तो जल धारण क्षमता भी कम होगी, लेकिन घनत्व और सघनता हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आपसे पूछ लें, मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ नाइट्रोजन विसरण दर, ऑक्सीजन विसरण दर और कार्बन डाई विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई सी भी पूछ ले, आपके दिमाग पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपके दिमाग में यह सिद्धांत रहना चाहिए कि गहराई बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है, सघनता बढ़ती है, कोई सी भी गैस होगी उसकी विसरण दर हमेशा ही घटेगी, कोई सी भी गैस हो, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए गैस का नाम दे देगा, ऐसे नहीं बोलेगा मृदा वायु की विसरण दर कम होती है ज्यादा होती है, वो बोल देगा नाइट्रोजन की विसरण दर कम होती है ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण दर कम होती है ज्यादा होती है। उस समय स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने वाला तो मामला ही नहीं, बहुत आसान सी बात है। तो आपसे नाइट्रोजन विसरण दर पूछे, ऑक्सीजन विसरण दर पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड विसरण दर पूछे, कोई से भी विसरण है गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, कम, क्यों, क्योंकि मृदा क्या होगी, सघन, मृदा सघन होने से क्या होता है, रंध्रावकाश प्रतिशत कम हो जाता है जिससे वायु की विसरण दर कम हो जाती है, यही मृदा वायु है। दूसरा, मृदा वायु में ये चीज आपको याद रखनी है भी कौन सी वायु का कितना संगठन होता है। तो ये मत समझिए यहाँ पे सिर्फ मृदा संरचना ही आपको करवाया जा रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर किए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो मिट्टी है इसके अंदर जनरली क्या है, पौधों की जड़ें हैं, ठीक है, ये पौधों की जड़ें, उसके अलावा इस मिट्टी के अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा, सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता हो तो सूक्ष्म जीवों की ऊर्जा निर्माण दर बहुत तेज होती है, यानी इसमें श्वसन दर होती है वो बहुत तेज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी जो सूक्ष्म दर होती है वो बहुत, सॉरी सूक्ष्म दर क्या, श्वसन दर जो होती है वो बहुत तेज होती है, इस बात को आपको हमेशा माइंड में रखना है। अब देखो, मिट्टी है वो क्या है, स्थल मंडल है ना, ठोस ठोस है वो, स्थल मंडल होता है, कल ही बताया था, सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ स्थल मंडल है मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, अर्थ के अंदर, है ना, धरती के अंदर 200 किलोमीटर तक ही ठोस है और वो ही स्थल मंडल है, 200 किलोमीटर के बाद तो तरल स्टार्ट हो जाता है, और मिट्टी जो, सॉरी धरती जो है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 6378 किलोमीटर होती है, धरती है, अर्थ है, इसकी त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, जिसमें से ऊपर ऊपर की जो परत होती है वो ठोस होती है, वो 200 किलोमीटर की होती है, और उसी को अपने स्थल मंडल बोलते हैं। तो अब मृदा के रंध्रों के बीच में वायु का स्रोत क्या होगा जी, वायुमंडल होगा। जो गैसें आएगी वो कहां से आने वाली है, वो गैसें आएगी वायुमंडल से। अब हम गैसों की बात करें तो गैसों में सबसे पहले क्यों ना अपने नाइट्रोजन की ही बात कर ली जाए,
देखो नाइट्रोजन भी वायुमंडल से आना है, ऑक्सीजन भी वायुमंडल से इसके अंदर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल से ही आना है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, ग्रेट आयरनी है, यानी ये एक बहुत बड़ी विपदा है कि वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन होते हुए भी हमें खेतों में यूरिया के कट्टे लाला के ठोकने पड़ते हैं ना, यानी नाइट्रोजन उर्वरक सबसे ज्यादा उपयोग में लेना पड़ता है और वायुमंडल में ये खूब होता है। देखो ये जो नाइट्रोजन है इसको क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे आपने सहजीवी सुना होगा राइजोबियम, दो दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवन करता है। कुछ होते हैं जिनकी पौधों की जड़ों से कोई मतलब नहीं होता, मुक्त जीवी होते हैं, एजेक्टोबैक्टेरिया एजिसोपायरलम है ना, इस तरह के बिजरंग की भी है, कोलेस्ट्रेडम भी है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, स्वतंत्र नाइट्रोजन यानी अस्थिर होती है, ये गैसीय अवस्था में होती है, इधर उधर भागती रहती है, तो इसको क्या करते हैं, इसको स्थिर कर देते हैं, इसका स्थिरीकरण कर देते हैं। गैस कभी स्थिर थोड़ी होगी, अगर हम उसको यौगिक में बदल दें, NO3 नाइट्रेट के अंदर बदल दें या अमोनिकल फॉर्म में बदल दें तो वो ठोस हो जाएगी, और जब वो ठोस हो जाएगी तो वो स्थिर हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। पहले गैस थी, स्थिर नहीं थी, अब ठोस हो गई तो स्थिर हो गई, इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, इसी को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो वायुमंडल से नाइट्रोजन मिट्टी के रंध्रों के बीच में आनी है, जाहिर सी बात है जो कण है वो इसमें अवरोध पैदा करेंगे, इस वजह से नाइट्रोजन का प्रतिशत कम आएगा, लेकिन कुछ नाइट्रोजन को क्या करेंगे, ये जो सूक्ष्म जीव है जो स्थिरीकरण कर देते हैं वो क्या कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे और इसको किसमें बदल देंगे, ठोस के अंदर बदल देंगे, जिससे यहां पर नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, और यही कारण होता है कि वायुमंडल की तुलना से मृदा के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्यादा होता है, ये अच्छे से आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें ऑक्सीजन, देखो जड़ें होती है उसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से कोई सा भी नील हरित शैवाल अंदर नहीं होता है, ठीक है, धरती के अंदर। तो अब अंदर जो है वो कोई प्रकाश संश्लेषण करने वाला तो जीव है ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन मुक्त करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लेने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, जड़ें हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हैं, सूक्ष्म जीव है वो तो बहुत ज्यादा श्वसन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार है, ऊपर से ऑक्सीजन जानी वायुमंडल से है तो मिट्टी के जो कण है वो अवरोध पैदा करेंगे, जितनी वायुमंडल में ऑक्सीजन है उतनी है रंध्रों के बीच में नहीं जा पाएगी, और दूसरा वहां पे लोग तैयार बैठे हैं, ऑक्सीजन आए तो सही हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, इसलिए वायुमंडल की तुलना से जो मृदा होती है उसमें ऑक्सीजन का स्तर हमेशा ही कम होता है, ये अच्छे से माइंड में रखना। नेक्स्ट अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था वायुमंडल की तुलना से मिट्टी के अंदर 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने का कारण क्या है, मृदा के अंदर जानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ही है और मृदा की विसरण दर कम होती है, अब बताओ बीके से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा सकता है। देखिए क्या होगा, ये जो सूक्ष्म जीव है और ये जड़े हैं, ये श्वसन में क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो फटाफट है वो धरती से बाहर नहीं निकल पाएगी, मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगी, रंध्रों से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इनकी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा श्वसन करते हैं, प्लस दूसरा क्या है, कुछ वायुमंडल से भी तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, इस वजह से मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी, वायुमंडल से इनकी तुलना करने पर इनकी मात्रा कम ज्यादा क्यों हुई है, क्लियर है यहां तक, अगर आपके ये स्थिति क्लियर हो गई है तो अपने आगे बढ़ते हैं। ये मृदा वायु की बात, मृदा संरचना के साथ साथ मैंने आपको मृदा वायु भी बता दिया है, अब मैं फटाफट आपको बोल देता हूं और एक यहां पे कुछ ट्रिकी चीजें बता देता हूं। देखिए मृदा का जो कुल आयतन है उसमें से 50% ठोस है, इस ठोस में 45 खनिज है, 5% कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ बोले तो जड़ सूक्ष्म जीव और ह्यूमस आते हैं, और 50% भाग होता है, 50% जो भाग होता है वो रंध्रावकाश होता है, जिसमें 25% वायु होती है और 25% जल होता है, और ये स्थिति सिर्फ आपको फील्ड कैपेसिटी पे क्षेत्र धारण क्षमता पर ही देखने को मिलती है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, इतनी संरचना याद रख लोगे तो बहुत है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक आपका क्लियर कर दिया, जिसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो है मृदा वायु, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बता दिए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। फॉर्मूलों की वैल्यू क्या है,
देखो फॉर्मूलों की वैल्यू ये है कि जब आप पोषक तत्व पढ़ेंगे तो वहां मात्राएं पीपीएम में होती है, कुछ की प्रतिशत में होती है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है वहां पे कुछ मात्राएं प्रतिशत में, कुछ पीपीएम में। आपने प्रतिशत में पूछी, अगले ने पीपीएम में पूछ ली, आपने पीपीएम में पढ़ी, अगले ने प्रतिशत में पूछ ली। अब क्या सारी वैल्यू डबल डबल याद करोगे? प्रतिशत में भी पीपीएम में भी ऐसा तो संभव नहीं है ना। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ कन्वर्टर याद रखना है, यानी जो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है वो याद रखना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमारा मृदा संरचना वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल, मृदा परछेदिका। अब देखिए मृदा परछेदिका हम डायग्राम बनाएंगे। प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब जानकारी। प्रोफाइल तो आजकल समझते होंगे, फेसबुक प्रोफाइल लगाते हो, व्हाट्सएप प्रोफाइल लगाते हो, टेलीग्राम बला बला, पता नहीं कौन कौन सी आप प्रोफाइल लगाते हैं ना। तो प्रोफाइल का मतलब होता है खुद की जानकारी। अब आप में से कई जवान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम ही से नहीं डाल रखे हैं ना, तो प्रोफाइल में खुद का ही नाम होता है। फोटो डालना तो दूर की बात होती है। तो प्रोफाइल का मतलब होता है खुद की फोटो, खुद का नाम, खुद की जानकारी। कोई कैटरीना कैफ की फोटो लगा देता है, कोई सनी देओल की लगा देता है ना, सब अपने अपने हिसाब से लगा देते हैं, उनकी प्रोफाइल थोड़ी है, प्रोफाइल तो आपकी है। तो इसी तरह से मृदा प्रोफाइल क्या होगी, अगर आप किसी सतह से मिट्टी को देखते हैं, किसी सतह से अगर आप मिट्टी को देखते हैं, क्या आपको मिट्टी की पूरी जानकारी मिल जाती है? ऊपर ऊपर से बता देंगे कि क्या मिट्टी के अंदर क्या है? नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें मिट्टी मिट्टी जहां है वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। सतह से लेकर मृदा का ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल या खड़ा काट, जहां तक मिट्टी है वहां तक का काट। अब मिट्टी कहां तक है, समझ लो जहां चट्टाने शुरू हो जाती है, जहां चट्टाने शुरू हो जाती है वहां पर मिट्टी खत्म हो जाती है। तो मृदा का वर्टिकल काट या फिर मृदा का खड़ा काट या मिट्टी का ऊर्ध्वाधर काट मृदा परछेदिका कहलाता है। जहां चट्टाने स्टार्ट हो जाए समझ लो मृदा खत्म हो जाती है। चट्टाने स्टार्ट हो जाए समझ लो मृदा है वो खत्म हो जाएगी। तो जो मृदा परछेदिका है यानी सोइल प्रोफाइल है वो कहां तक पूरी हो जाती है? वो चट्टानों तक पूरी हो जाती है। चट्टानों को कभी भी मृदा परछेदिका में नहीं पढ़ा जाता है, सोइल प्रोफाइल में नहीं पढ़ा जाता है। फिर भी हम हर एक प्रोफाइल के डायग्राम में चट्टाने दिखाते हैं। चट्टाने इसलिए दिखाते हैं कि जी मृदा परछेदिका यहां आकर खत्म हो जाती है। अब चट्टानों को अपने क्या बोलते हैं, जनरली चट्टानों को बोलते हैं बेड रॉक बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आर सेंस्टर भी बोल सकते हैं, आर ओरिजिन भी बोल सकते हैं। सेंस्टर क्या होता है अभी अपने बात करेंगे। देखो जब आप मिट्टी का वर्टिकल काट काटेंगे तो सारी की सारी मिट्टी एक जैसी नहीं होती है, उस मिट्टी में आपको अलग अलग परत दिखाई देती है। सारी मिट्टी एक जैसी नहीं होती है, उस मिट्टी में आपको अलग अलग परतें दिखाई देगी। और ये सोइल प्रोफाइल मृदा परछेदिका में दिखने वाली अलग अलग परतें या फिर अलग अलग जो परत है, लेयर है, उसी को अपने सेंस्टर या फिर क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। जैसे मैं जिस रीजन में रहता हूं उस रीजन में हमारे मिट्टी ऊपर ऊपर से थोड़ी सी गहरे रंग की, उसको थोड़ा खोदते हैं तो फिर हल्के रंग की, फिर जनरली अपने और नीचे खोदते हैं तो लाल रंग की मिट्टी निकल आती है, और उसके बाद और खोदते हैं तो उसमें ढेले निकलने लग जाते हैं, लोकल में जिसको धोड़क कहा जाता है, फिर और खोदते हैं तो नीचे पत्थर की परत निकल जाती है। तो ये जो मृदा परछेदिका है, सोइल प्रोफाइल है, इसके अंदर आपको अलग अलग परतें दिखाई देती है, उन्हीं परतों को सेंस्टर या फिर क्या बोलते हैं, अपने ओरिजिन बोलते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल सोइल का वर्टिकल काट है ना, वर्टिकल जो सेक्शन है, मृदा का जो खड़ा काट है उसी को अपने मृदा परछेदिका बोलेंगे। अब देखिए अपने मृदा परछेदिका की वन बाय वन बात करते हैं। अगर हम पहुंचे जंगलों में, वनों वाली भूमि के अंदर, तो वहां ऊपर ही ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल ताजा गिरी हुई पत्तियां होगी, टहनियां होगी, जंतुओं के अवशेष होंगे, कोई मरे वगैरह जंतु भी हो सकते हैं ना, ये मटेरियल दिखेगा। और यहां पर जो पत्तियां पड़ी है आप उनको देख के पहचान जाओगे, ये नीम की पत्ती है, ये टाली की पत्ती है यानी शीशम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसको थोड़ा सा आप साइड में करोगे, तो आपको इसके नीचे अर्ध सड़ी गली जो पत्तियां वगैरह, ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये जो जंतुओं का जीव पौधों का अवशेष है, ये आपको थोड़ा अपघटित पार्शियली डीकम्पोज मिलेगा, अर्ध अपघटित मिलेगा। ऊपर तो आपको ताजा मिलेगा, उसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको, पार्शियल मिलेगा यानी अर्ध अपघटित मिलेगा। ये दोनों ही परतें किसकी है, बिल्कुल प्योर कार्बनिक पदार्थ की है। यहाँ पे मिट्टी वगैरह खनिज वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है। इसलिए हम इस भाग को, इस सेंस्टर को, इस परत को ओ ओरिजिन यानी ओ सेंस्टर बोलते हैं। ओ सेंस्टर का मतलब होता है कार्बनिक सेंस्टर। क्या बोलेंगे अपने इसको, कार्बनिक सेंस्टर। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा, वनों वाली भूमि के अंदर ही होता है, बाकी कहीं पर नहीं होता है। अपने खेतों में क्यों नहीं होगा, इसके पीछे कारण क्या है,
ये जो अपने खेत है इसमें भी तो पौधों के अवशेष जंतुओं के अवशेष पड़ते रहते हैं, हम खाद भी देते हैं, लेकिन हम लगातार क्या करते हैं इसमें हल चलाते रहते हैं। हल चलाने की वजह से क्या होता है, ये सारा मिट्टी में मिक्स हो जाता है और कार्बनिक जो पदार्थ है उसकी परत कभी भी बनी नहीं रहती है। तो ये जो सेंस्तर है, ओस सेंस्तर या कार्बनिक सेंस्तर है, ये खेती योग्य भूमि के अंदर अनुपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट होता ही नहीं है, और जो वनों वाली भूमि होती है उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। दो क्वेश्चन बनेंगे जो इंपोर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए हैं, फटाफट ध्यान दीजिए इस पे। ओस सेंस्तर कौन सी मृदाओं में अनुपस्थित होता है, तो जी ओस सेंस्तर होता है वो खेती योग्य भूमि के अंदर अनुपस्थित होता है। वनों वाली भूमि का सबसे ऊपरी सेंस्तर कौन सा होता है, वनों वाली भूमि का सबसे ऊपरी सेंस्तर होता है वो ओ सेंस्तर होता है, ओ बोले तो ऑर्गेनिक या कार्बनिक सेंस्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। इसके जस्ट जो नीचे का भाग है वहां मिट्टी स्टार्ट हो जाती है, मिट्टी स्टार्ट हो जाती है, सबसे ऊपर की मिट्टी यही है, उससे ऊपर तो कार्बनिक पदार्थ था, वो सिर्फ वनों वाली भूमि में, बाकी कहीं भी देखेंगे तो आपको मिट्टी दिखेगी, उसको हम बोलेंगे ए सेंस्तर। कौन सा सेंस्तर बोलेंगे इसको, अपने ए सेंस्तर बोल दिया जाता है, ए सेंस्तर, ये है अपना ए सेंस्तर। ठीक है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर की मिट्टी है ये, तो हम इसको टॉप ओरिजिन भी बोल देंगे, टॉप सेंस्तर भी बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे टॉप सेंस्तर भी बोल दिया जाता है। अब देखो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, अस्तित्व में दो ही भाग होते हैं, वैसे बांट अपने तीन भागों में सकते हैं इसको। वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं गौर फरमाइए, देखिए सबसे पहले तो ए वन, ठीक है, उसके बाद A2 और तीसरा कौन सा होगा A3। अस्तित्व में मैंने कहा दो ही होते हैं A1 और A2, A3 सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं है, A3 को कभी गिनती में नहीं लेना है, गणना नहीं करनी है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी गणना नहीं की जाती। अगर आप कंपटीशन में पास होगे तभी आपकी गणना होगी, और अगर आप फेल हो गए चाहे आपने मेहनत की है नहीं की आपकी गणना नहीं होगी, इसलिए मेहनत अच्छी करी है। ठीक है, तो A सेंस्तर को अच्छे से पढ़ने के लिए हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, तीन। अब देखो ओ सेंस्तर भी अपना पहले से कितने भागों में बंटा हुआ था, ओ सेंस्तर है वो दो भागों में बंटा हुआ था, ऊपर वाले को ओ वन बोल दो और नीचे वाले को क्या बोल दो ओ टू। जैसे हमने ए को तीन भागों में बांटा है उसी तरह से हम ओ को भी दो भागों में बांट सकते हैं। ओ वन में ताजा कार्बनिक पदार्थ था और ओ टू के अंदर अर्ध अपघटित यानी पार्शियल डीकम्पोज मटेरियल था। अब अपने नेक्स्ट ए सेंस्तर के अंदर चलते हैं, ए को हमने तीन भागों में बांटा। सबसे पहले हम बात करते हैं ए वन की। देखो ए वन में क्या होता है, जो ऊपर से कार्बनिक पदार्थ आता है, ऊपर से जो भी कार्बनिक पदार्थ आता है वो इस मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है और ये पूर्णतः सड़ा गला होता है, कंप्लीटली डीकम्पोज होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पूर्णतया अपघटित, क्या लिखेंगे अपने, पूर्णतया अपघटित ऑर्गेनिक मैटर किसमें होता है, ए वन में होता है। और जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसका रंग हमेशा ही गहरा होता है, यानी गहरे भूरे से काले के आसपास का होता है। तो पूर्णतया अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है और इसकी वजह से इसका रंग कैसा होगा, गहरा रंग होगा, ये ए वन की विशेषता है। और सबसे ज्यादा जो हल चलते हैं वो ए वन में ही चलते हैं, सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ मिलता है। मृदा में बात करें तो ओ सेंस्तर को छोड़ दो, क्योंकि खेती योग्य भूमि में तो ओ सेंस्तर होता ही नहीं है, तो ओ को छोड़ दें, उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ आपको ए वन के अंदर ही मिलने वाला है, वो भी पूर्णतया सड़ा गला, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, गहरा होता है, खेती की दृष्टि से उत्तम होती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ अच्छा होता है, लगातार हल चलता है, लगातार कार्बनिक पदार्थ मिलता है, इस वजह से ये भुरभुरी होती है, भुरभुरी होती है तो रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होता है, जल धारण क्षमता भी इसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपने बात करें ए टू, ए टू में क्या होता है, जनरली ये थोड़ा सा डेंस हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें हल वगैरह कम चलते हैं, तो ऊपर से जो भी पानी आएगा वो जनरली इसमें थोड़ा रुकेगा, रुकेगा इसकी वजह से इसमें जो भी सेक्सु ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड है ना, ये होते हैं, ये क्या हो जाएंगे पानी के साथ घुल जाएंगे और घुलकर फिर ये नीचे की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे। इसको अपने हिंदी में तो बोलते हैं निक्षालन और अंग्रेजी में बोलते हैं लीचिंग। तो इसमें A2 के अंदर जो भी मटेरियल था वो पानी के साथ घुलकर नीचे चल पड़ा, घुलता तो A1 में भी है लेकिन A1 में तो और मिल जाता है, साइकिल चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट A2 में कार्बनिक पदार्थ इतना आता नहीं है और जो भी इसमें सेक्सु ऑक्साइड और जो भी रिसाल्ट होते हैं वो घुलकर नीचे की तरफ चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो रंग देने वाला मटेरियल था वो तो नीचे चला गया, रंग देने वाला जो मटेरियल था वो तो नीचे चला गया और इसका रंग कैसा हो जाएगा, हल्का रंग हो जाएगा। A1 का रंग कैसा था, गहरा था, A2 का रंग कैसा हो जाता है, हल्का। सेक्सु ऑक्साइड और जो साल्ट होते हैं उनका घुल कर नीचे जाना वैसे तो लीचिंग या निक्षालन कहलाता है, लेकिन यहां एक स्पेशल टर्म होती है एल्यूवेशन। क्या होती है, एल्यूवेशन, हिंदी में भी लिख देता हूं,
एल्यूवेशन, ये एक टर्म होती है इसके लिए स्पेशल, एल्यूवेशन। ए टू से जो लवण है, सेक्टो ऑक्साइड है, उनका घुल कर नीचे की परतों में चले जाना क्या कहलाएगा? एल्यूवेशन कहलाएगा। हिंदी में इसको निक्षालन, याद रखना है, निक्षालन कहलाएगा, जिसकी वजह से ए टू का रंग जो होता है वो हल्का हो जाता है। मैंने कहा ए थ्री अस्तित्व में नहीं होता, ए थ्री की तो बाद में बात करेंगे अपने, ठीक है। ए थ्री समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए है वो भी अपने बाद में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंसर स्टार्ट हो जाता है वो अपना सेंसर स्टार्ट हो जाता है बी सेंसर। कौन सा सेंसर स्टार्ट हो जाएगा? बी सेंसर। जब ऊपर वाले को हमने ए बोला तो इससे नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? ऊपर वाले को ए बोला तो इसको बी बोल देंगे, ऊपर वाले को टॉप बोला तो इसको हम क्या बोल देंगे? सब सोइल सेंसर बोल देंगे। यानी सब सोइल का मतलब अधो सेंसर, यानी नीचे का जो सेंसर है वो इसको बोल दिया जाता है। अब देखो, मैंने कहा वनों वाली भूमि में सबसे पहले ओ सेंसर मिलता है, और खेती योग्य भूमि में सबसे पहले ऊपरी ऊपर कौन सा सेंसर मिलेगा आपको? ए सेंसर। खेती योग्य भूमि में सबसे जो ऊपरी सेंसर होता है वो हमेशा कौन सा होता है? ए सेंसर होता है, जिसको अपने टॉप सेंसर भी बोलते हैं। अब देखो हमने पिछला जो डायग्राम, देखो सोइल साइंस की खास बात यह है कि पहले लेक्चर से अंतिम लेक्चर जो है वो सब जॉइंट है, कोई भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जस्ट पीछे हमने संरचना वाला जो डायग्राम बनाया था उसमें यह था कि 45% जो है वो खनिज है और 5% है वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो मिट्टी जब स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब खनिज ज्यादा हो जाता है, तो ए सेंसर को हम क्या बोल सकते हैं? प्रथम खनिज सेंसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाला था वो तो सिर्फ वनों वाली भूमि में जहां वनस्पति ज्यादा थी वहां था, और वहां सिर्फ ऊपरी ऊपर क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इसके जस्ट नीचे वाला, इसमें मिट्टी ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ है कम है, इसलिए हम इसको फर्स्ट खनिज सेंसर बोलेंगे। जब इसको हमने फर्स्ट खनिज सेंसर बोल दिया तो इसके नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? सेकंड खनिज सेंसर, क्योंकि इसमें भी तो ज्यादा क्या है? खनिज ही है, कार्बनिक पदार्थ तो न के बराबर है। वो अभी अपने बात कर लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ है या नहीं है, है तो कितना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऊपर वाले को हम फर्स्ट खनिज सेंसर बोलेंगे और नीचे वाले को सेकंड खनिज सेंसर बोलेंगे। वनों वाली भूमि में ऊपरी ऊपरी सेंसर है वो किसका बना हुआ है? वो पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ का, तो हमने उसको तो कार्बनिक सेंसर बोल दिया था, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो बी सेंसर है इसमें क्या घटना घटती है? जो ए सेंसर से मटेरियल घुल के आया वो बी में आकर जमा हो जाता है, और ए टू से जो घुल के आया है मटेरियल उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था एल्यूवेशन बोला था, या निक्षालन बोला था। इस वजह से हम इसका नाम ई सेंसर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? ई सेंसर। यानी सबसे ऊपर कौन सा है? ओ है। उसके नीचे कौन सा है? ए वन है। ए वन को आप ए बोल सकते हैं, और ए टू को आप क्या बोल सकते हैं? ई बोल सकते हैं। हमने इन तीनों की अब तक बात कर ली, इन तीनों की बात कर ली। ए थ्री का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। सबसे ऊपर ओ, वनों वाली भूमि में, खेती योग्य भूमि में ए, और उसके बाद ए टू जो होता है उसको हमने यहां पर क्या बोल दिया? ई। ए टू को ही ई कहा जाता है, अच्छे से याद रखना। ए टू से कम पुकारा जाता है, ई से ज्यादा पुकारा जाता है। तो ज्यादा क्या रखना है आपको? ई सेंसर ध्यान में रखना है। अब बी को भी अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं? तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। देखो B1 कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना B1 का। B2 का ही अस्तित्व होता है B में, बाकी किसी का अस्तित्व होता ही नहीं है। B3 का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो B1 और B3 जो है समझ लो नहीं है, बाकी बचा B2, उसी को प्योर B बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला सेंसर कौन सा है जिसका अस्तित्व है? B है, और B में किसका अस्तित्व होता है? सिर्फ B2 का होता है। अब देखो B2 के अंदर क्या होता है? ऊपर से जो भी मटेरियल, ई सेंसर से जो भी मटेरियल घुल के आया, सेक्स ऑक्साइड या फिर लवण, वो सारे के सारे आकर किस में जमा हो जाते हैं? B2 के अंदर जमा हो जाते हैं। इस वजह से B2 का रंग गहरा हो जाता है, इसलिए जब भी अपने गड्ढा खोदते हैं तो नीचे की मिट्टी लाल निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि ऊपर से आयरन ऑक्साइड घुलकर सारा नीचे इकट्ठा हो गया था। नीचे इकट्ठा क्यों हो गया? और नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि नीचे तो और कठोर मृदा आ गई, अब नीचे तो जा नहीं सकता है, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को इल्यूवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्यूवेशन कहा जाता है, इल्यूवेशन कहा जाता है। ये दोनों प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे होते हैं, एल्यूवेशन और इल्यूवेशन। इसको हमने क्या बोला? इल्यूवेशन बोल देते हैं, इल्यूवेशन। हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं अपने,
मात्राएं वात्राएं मैंने आपको कल बता दी थी, जो सुंदर होती है वो हम लगा देते हैं। तो ये क्या है, इल्यूवेशन है और उसके ऊपर वाला एल्यूवेशन है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, सीधा सा याद रखना, एबीसीडी में ई पहले आता है तो मद्दा में भी ई स्तर ऊपर आता है, ई वाली घटना ऊपर आती है, और एबीसीडी में आई बाद में आता है तो मर्दा में भी आई वाली घटना होती है वो बाद में आती है, वो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको इस ट्रिक से याद रह जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े, जो मटेरियल ई से घुल के आया, ई बोले तो ए टू से जो घुल के आया वो किसमें जमा हो गया, बी टू में, और इस क्रिया को हम इल्यूवेशन कहते हैं हिंदी के अंदर, इसको निक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, निक्षेपण। क्या बोला जाएगा इसको, निक्षेपण बोला जाएगा, निक्षेपण, ठीक है। ये है निक्षेपण, याद रखिएगा ना, निक्षेपण देख लेना सही लिखा है या गलत लिखा है, हिंदी थोड़ी कमजोर है ना, तो ये इसको अपने क्या बोल देते हैं, निक्षेपण बोल देते हैं। तो ये B2 की बात होगी, मैंने कहा पूरे B में, B1, B2, B3 के अंदर सबसे ज्यादा जो अस्तित्व में वो B2 है, B1 और B2 का कोई अस्तित्व नहीं है, सॉरी B1 और B3 का कोई अस्तित्व नहीं है, और उनकी अपने बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपने बात करें नेक्स्ट जो सेंसर आता है वो कौन सा होता है, नेक्स्ट जो सेंसर है वो है सी सेंसर। कौन सा सेंसर है, सी सेंसर, नेक्स्ट जो है वो है सी सेंसर, सी सेंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंसर है वो सी सेंसर है, इसमें क्या मिलेगा, चट्टानों के टुकड़े मिलेंगे, ठीक है, और उसके अलावा मिट्टी के कण मिलेंगे, उसके अलावा छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलेंगे, यानी मर्दा व चट्टानों का मिश्रण मिलता है, मर्दा व चट्टानों का मिश्रण मिलता है, ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात को दर्शाता है कि चट्टाने टूट रही है, चट्टानों का अपक्षय हो रहा है। कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। चट्टाने टूटने को चट्टानों की अपक्षय बोलते हैं या वेदरिंग बोलते हैं, वेदरिंग हो रही है, चट्टानों के टूटने से ही मर्दा का निर्माण होता है, यहां पर चट्टाने टूटती हुई दिखाई दे रही है। देखो लाइक में बहुत कंजूसी आ रही है, मैंने इसमें पूरा मन लगा दिया है लेक्चर पढ़ाने में, तो आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, और लोगों को शेयर क्यों नहीं करते हैं, आप लोग जो व्यूज है उसको क्यों नहीं इंक्रीज करते हैं। आपको ही पता है क्लासें लंबे समय तक कब बनी रहती है, जब मोटिवेशन मिलता रहता है। तो ये चट्टाने टूट रही है और चट्टाने टूटती हुई दिखाई दे रही है, और चट्टानों के टूटने से ही मर्दा का निर्माण होता है, तो यहां पर आपको मर्दा निर्माण दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको यहां पे मर्दा निर्माण दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, मर्दा निर्माण जरूर दिख रहा है। अब आपसे पूछ ले मर्दा निर्माण की क्रिया किसमें जारी रहती है, मर्दा निर्माण की क्रिया, मर्दा निर्माण, मर्दा निर्माण की क्रिया किसमें जारी रहती है, सी सेंसर में, सी ओरिजिन के अंदर जारी रहती है। ये बात तो अपने बाद में करेंगे, यहाँ बोर्ड की अपने को जरूरत है, एक बार इसको हटा देते हैं। आपसे पूछे कि मर्दा निर्माण की प्रक्रिया है वो किस में जारी रहती है, तो आप बोलोगे सी सेंसर में रहती है। देखो मिट्टी किससे बनती है, चट्टानों से, मिट्टी का पेत्रक पदार्थ कौन है, जी चट्टाने हैं, तो जाहिर सी बात है सी सेंसर में आपको पेत्रक के अवशेष देखने को मिलेंगे, किसके अवशेष देखने को मिलेंगे, पेत्रक पदार्थों के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो हम इसको पेत्रक सेंसर भी कह सकते हैं, इसको अपने क्या बोलेंगे, पेत्रक सेंसर भी कह देंगे, पेत्रक सेंसर, पेत्रक सेंसर आपसे पूछ ले किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सी सेंसर को कहा जाता है, क्योंकि इसमें चट्टानों के टुकड़े हैं और चट्टाने ही मर्दा का निर्माण करती है, तो पेत्रक सेंसर कौन सा हो जाएगा, सी सेंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको, और सी सेंसर के अंदर ही मर्दा निर्माण की प्रक्रिया है वो जारी रहती है, सी सेंसर में ही मर्दा निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है, इसलिए हम इसको सबस्ट्रेटम कहते हैं, चट्टाने किसमें बदल रही है, मर्दा के अंदर बदलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सबस्ट्रेटम बोल दिया, क्या बोल दिया इसको हमने, सबस्ट्रेटम बोल दिया, लैटिन भाषा में इसको स्पेरोलिन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे अपने इसको, स्पेरोलिन बोल देते हैं, क्या बोल देंगे इसको अपने, स्पेरोलिन, क्या बोल देंगे, स्पेरोलिन बोल देंगे। देखिए बी के नीचे वाला जो सेंसर है वो कौन सा है, सी सेंसर, सी सेंसर में मर्दा निर्माण की घटना आपको दिख रही है, इसलिए मर्दा निर्माण जारी किसमें रहता है, सी में, सी को पेत्रक सेंसर कहते हैं क्योंकि इसमें चट्टानों के टुकड़े हैं, और इसी को हम सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं, इसको स्पेरोलिन भी बोल देते हैं। मर्दा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस या सोइल जेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, निर्माण होना, तो सोइल जेनेसिस या पेडोजेनेसिस का मतलब होता है मर्दा निर्माण होना, सोइल जेनेसिस या पेडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मर्दा निर्माण होना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना सी सेंसर। अब मैं फटाफट दोबारा से बताता हूं,
वनों वाली भूमि में ऊपरी ऊपर कार्बनिक पदार्थ होगा जिसको कार्बनिक संस्तर या ओसंस्तर कहते हैं, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, O1 में बिल्कुल ताजा मटेरियल होगा, O2 में अर्ध अपघटित होगा। उसके जस्ट नीचे मिट्टी स्टार्ट हो जाती है, यानी पहला खनिज संस्तर स्टार्ट हो जाता है जिसको ए संस्तर बोलते हैं, और जो खेती योग्य भूमि है वहां पे ओ संस्तर नहीं होता, सबसे पहले ए संस्तर ही दिखता है, तो इसको हम टॉप संस्तर भी बोल सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं जिसमें से दो का अस्तित्व है, एक का अस्तित्व नहीं है। A1 इसमें पूर्णतया अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भुरभुरा होता है, इसमें लगातार कर्षण क्रियाएं होती रहती है, जल धारण क्षमता अच्छी होती है, वायु विसरण दर अच्छी होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होती है, रंग गहरा होता है। इसके जस्ट नीचे वाला थोड़ा कठोर होता है, कुछ एक पौधों की जड़ें इसमें पहुंच पाती है, और इसका जो मट्टी के अंदर जो भी सेक्सी ऑक्साइड और साल्ट होते हैं वो घुलकर नीचे की तहों में चले जाते हैं, जिसको एल्यूवेशन या फिर निक्षालन या लीचिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग धुलकर नीचे चला गया, वॉश आउट हो गया, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होगा, हल्का रंग होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करें, ये जो मटेरियल यहां से घुल के गया उस प्रक्रिया को हमने एल्यूवेशन बोला, इसलिए इस संस्तर को आप ई संस्तर भी बोल सकते हैं। उसके बाद A3 को एक बार छोड़िए, A3 को जस्ट 2-3 मिनट बाद अपने समझेंगे। A2 से जो भी, E से जो भी घुल के आया वो B में आके जमा हो गया, उसको हमने एल्यूवेशन बोला या फिर जिसको हमने निक्षेपण बोला। बी को भी हम अच्छे से समझने के लिए तीन भागों में बांट सकते हैं, B1, B2, B3। B2 के अंदर आके मटेरियल जमता है, इस वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा। B1 और B3 का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए एक बार हम इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे कौन सा संस्तर होता है, सी। बी जो है वो ए और सी के बीच में होता है, सबसे ऊपर खेती योग्य भूमि में कौन सा है, ए संस्तर, जिसको फर्स्ट खनिज संस्तर बोला। उसके नीचे कौन सा हो जाएगा, सेकंड खनिज संस्तर हो जाएगा, यानी बी संस्तर हो जाएगा। जब हमने ए को टॉप संस्तर बोला तो नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे, सब सोइल संस्तर बोल देंगे। देखिए कार्बनिक पदार्थ हमेशा ए में ही होता है, बी में कैसे कार्बनिक पदार्थ पहुंचेगा, कोई कार्बनिक पदार्थ घुल घुल के इसमें थोड़ा बहुत पहुंच जाता है तो बात अलग है, वैसे जनरली नहीं पहुंचता है, और इसी कारण से इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लेस ओरिजन, यानी कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर बोल दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर लेस संस्तर किसको बोलते हैं, अपने बी को, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऊपर ही ऊपर हो सकता है, आप गड्ढा खोद के तो खाद नहीं देने वाले हैं ना, इसलिए बी के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम मिलता है, तो बी में ज्यादा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ खनिज होगा। और बी के नीचे क्या है, सी, और सी के नीचे है चट्टाने, चट्टाने लगातार टूटती रहती है। मैंने कहा था मर्दा निर्माण प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, निरंतर जारी रहने वाली क्रिया है, लेकिन धीमी प्रक्रिया है। ये चट्टाने टूटती है जिससे ये देखो चट्टानों के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, बीच बीच में आपको मर्दा देखने को मिल रही है, ये मर्दा निर्माण प्रक्रिया जारी है, पेडोजेनेसिस जारी है या सोयल जेनेसिस जारी है। ये कौन से संस्तर में होती है, सी संस्तर में। यहां चट्टानों के टुकड़े हैं, मर्दा के पेत्रक पदार्थ चट्टाने हैं, चट्टानों के टुकड़े होने के कारण इसको पेत्रक संस्तर भी कहा जाता है, इसको पेत्रक संस्तर भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए यहां चट्टाने कभी भी संस्तर में नहीं गिरोगे, संस्तर कौन कौन से है, O है, उसके बाद A है, A1 को A बोल दो, A2 को E बोल दो, B में तीन है लेकिन मेन कौन सा है, B2 है, उसको B बोल दीजिए, और उसके बाद कौन सा है, C है। तो मर्दा में मास्टर संस्तरों की संख्या, मुख्य संस्तरों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। आपसे पूछ ले मर्दा में संस्तर कितने होते हैं, आप कितने बताओगे, 5। मैंने कहा A3 को नहीं गिनना है, B1 को नहीं गिनना है, B3 को नहीं गिनना है, क्यों नहीं गिनना है, इसके पीछे एक कारण बनता है, अभी देखिए क्या कारण बनता है। देखिए हाँ, ये जो चट्टाने हैं ये किसमें टूट रही है, यहां पे सी में, और जो सी है वो और छोटा होता जा रहा है, यानी जो कण है वो और छोटे होते जा रहे हैं, वो किसमें बदल जाएगा, बी में बदल जाएगा, बी में बदल रहा है, यानी चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे कणों के अंदर बदल रहे हैं, जिसकी वजह से मर्दा बन रही है। तो ये जो B3 है ना, यहां पर आपको क्या मिलेगा, बी का और सी का मिश्रण मिलेगा, बी और सी का क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिश्रण मिलने वाला है, बी और सी का मिश्रण मिलेगा, मिक्सअप मिलेगा यहां पर। तो ये क्लियर नहीं है कि ये कौन से बी का है या सी का है, यानी मिक्सअप देखने को मिलता है। तो ये क्या है, स्थानांतरित संस्तर है, B3 जो है वो स्थानांतरित है, यानी C किसमें स्थानांतरित हो रहा है, B में, ये स्थानांतरित संस्तर होता है। अब B जो है वो किसमें स्थानांतरित हो जाता है, A में बदल जाता है। तो जब वो A में बदलता है तो बीच का जो कुछ भाग होता है उसमें A और B के बीच के लक्षण होते हैं,
ए के लक्षण ऊपर ज्यादा होंगे तो उसको हमने ए थ्री बोल दिया, और बी के लक्षण नीचे ज्यादा होंगे इसलिए हमने इसको बी वन बोल दिया। तो ये दोनों बीच वाले ये इस बात को दर्शाते हैं कि यहां पर स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये भी स्थानांतरित सेंसर है, ए थ्री बी वन बी थ्री स्थानांतरित सेंसर है, यानी ट्रांसफर ओरिजिन है। ठीक है, ये ट्रांजिशियल ओरिजिन कहलाते हैं। A3, B1 और B3 इनको कभी भी नहीं गिना जाता है। A1 को A बोलो, A2 को E बोले, B2 को B बोल सकते हैं और उसके बाद C। चट्टाने कभी भी मर्दा के अंदर नहीं आती है, क्योंकि चट्टाने तो अलग चीज है और मर्दा है वो अलग चीज है। हम बात किसकी कर रहे हैं, सोइल प्रोफाइल की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ मर्दा मर्दा की बात की जाती है। ये हो गया यहाँ पे मर्दा परछेदी का, इसका एक आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। मैंने कहा था कार्बनिक पदार्थ सिर्फ वनों वाली भूमि में, उसके बाद ए सेंस्तर होता है, ये देखिए ए सेंस्तर है और यहाँ पे रंग कैसा है, गहरा। ये ई सेंस्तर है, यहाँ पे वॉश आउट हो गया, मटेरियल घुल के नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अपना, ये अपना ई सेंस्तर हो जाएगा। उसके नीचे कौन सा आ जाएगा, ये अपना जनरली आप देखोगे तो बी सेंस्तर आ जाएगा। आप इधर देखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी, इस वाले में अपने देखते हैं ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ऊपर ही ऊपर जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा, ये सिर्फ वनों वाली भूमि में मिलेगा। उसके जस्ट नीचे कौन सा होगा, ए होगा, ये सिर्फ आपको कहां पर देखने को मिलेगा, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये जो ऊपर ही ऊपर वाला होगा, ये जो ऊपर ही ऊपर वाला होगा ये कौन सा होगा, ओ होगा। इसके जस्ट नीचे मर्दा वाला होगा, यानी जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो मिला हुआ है लेकिन इसमें मर्दा ज्यादा है, तो हमने इसको ए सेंसर बोला पीछे टॉप सॉइल। उसके जस्ट नीचे आप देखो, इसके जस्ट नीचे ई सेंसर आ गया, ये ई सेंसर आ गया। और ई सेंसर देखो हल्के रंग का है, क्यों हल्के रंग का है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल क्या हो गया, वॉश आउट हो गया। ये देखो मटेरियल यहाँ पे वॉश आउट हो गया, ये मटेरियल वॉश आउट होके कहां चला गया, बी के अंदर चला गया। ये देखो बी के अंदर जाके जमा हो गया, इस वजह से यहाँ का रंग गहरा हो गया और यहाँ का रंग जो है वो हल्का हो गया। और ए है उसका रंग गहरा है और ऊपर ही ऊपर है वो कौन सा, ओ है, वो सिर्फ वनों वाली भूमि में होता है, खेती योग्य भूमि में नहीं होता। उसके जस्ट नीचे सी आ जाएगा, सी में ये चट्टाने हैं, ये टूटती हुई दिखाई देगी, जिस वजह से यहाँ चट्टानों के टुकड़े भी होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, रंध्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप इमेज देख सकते हैं। अभी देखो गौर से देखना, ये पूरी की पूरी जो मर्दा परछेदी का देख रहे हो, इसमें ऊपर का रंग कैसा है, गहरा है, उसके नीचे रंग कैसा है, हल्का है, और ये वापस रंग कैसा हो गया, गहरा, और ये यहाँ पे सी है, मर्दा निर्माण जारी है और यहाँ पे नीचे चट्टाने हैं। तो आर या बेडरॉक को कभी ना गिने, गिने किसको, ओ को गिने, ए को गिने, बी को, सॉरी ए को गिने, ई को गिने, बी को गिने और सी को गिने, बस सिर्फ अपने इनको गिना जाता है। यही क्या है, सॉइल प्रोफाइल होता है। पीछे मैंने अच्छे से समझा दिया, ये इमेज प्रॉपर दर्शा नहीं रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल से बताया नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारा मामला जो है वो क्लियर हो गया होगा। वैसे इसमें भी अगर आप देखना चाहते हो तो इसने क्या है, ये ऊपर ही ऊपर ओरिजिन दे दिया, उसके बाद उसने क्या दे दिया, ए दे दिया, जो लाइट कलर के उसने बीच में दो दे रखे हैं, तो ये अच्छी इमेज नहीं है, इसलिए मैंने इधर वाली इमेज में आपको थोड़ा क्लियर आउट कर दिया। मेरे हिसाब से आपको मर्दा परछेदी का समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं मैं इससे संबंधित जो होती है। कई बार पूछ लिया जाता है सोलम सेंस्तर किसे कहा जाता है, सोलम सेंस्तर किसे कहा जाता है, सोलम सोलम बोले तो सोयल है ना, सोलम सेंस्तर किसे कहा जाता है, मिट्टी मिट्टी किसमें है, ए और बी के अंदर मिट्टी है, थोड़ा इधर लिख देता हूं आपको दिखेगा नहीं ना, यहां लिख देता हूं, सोलम सेंस्तर किसे कहा जाता है, ए और बी को कहा जाता है। सोलम बोले तो मर्दा, कल हमने पहला जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर बात की थी ना, उसके अंदर अपने बोल रहे थे कि सोलम जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फर्श, और जिसको हम आजकल मर्दा शब्द के लिए यूज करते हैं, और मर्दा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के सोलम से हुई है। आपसे पूछ ले सोलम ओरिजिन कौन सा है, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी है ना। एक कई बार पूछ लिया जाता है रिगोलित, रिगोलित सेंस्तर कौन सा है, रिगोलित सेंस्तर कौन सा होता है, रिगोलित सेंस्तर का मतलब होता है मर्दा प्लस चट्टाने के टुकड़े, मर्दा प्लस चट्टानों के टुकड़े, मर्दा प्लस चट्टानों के टुकड़े, मर्दा तो ए में भी है, बी में भी है, और चट्टानों के टुकड़े सी में भी है। ए प्लस बी प्लस सी को अपने क्या बोलेंगे, रिगोलित सेंस्तर बोलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी को अपने रिगोलित सेंस्तर कहा जाता है। ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोलम प्लस सी, सोलम कौन सा है, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो रिगोलित सेंस्तर सोलम प्लस सी बोल दो या फिर a प्लस बी प्लस सी बोल दीजिए। एक शब्द होता है रिगोसोल,
एक शब्द है रिगोसोल्स। देखिए रिगोसोल्स क्या होता है, एक शब्द आता है आपका रिगोसोल्स। देखिए रिगोसोल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई नई मर्दा है, अभी उसमें संस्तर विकसित ही नहीं हुए, नई मर्दा है उसमें अभी कोई संस्तर विकसित ही नहीं हुए, ओरिजिन विकसित ही नहीं हुए, यानी बिना संस्तर की मर्दा है, उसमें कोई भी परतें आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, रिगोसोल बोल देंगे। जिसमें संस्तर नहीं होते हैं, विदाउट ओरिजिन की जो सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिगोसोल कहते हैं। और रिगोलिस संस्तर ए प्लस बी प्लस सी, सोलम संस्तर कौन सा होता है, ए प्लस बी। मास्टर संस्तरों की संख्या कितनी होती है, 5, ओ ए बी सी होती है। और सबसे वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी ओ होता है, खेती योग्य भूमि में ए होता है, मर्दा निर्माण सी में जारी रहता है, और जहां पर मटेरियल जाके जमा हो जाता है वो बी संस्तर होता है। ई वाला एल्यूवेशन प्रक्रिया ई संस्तर या ए टू के अंदर होती है, और आई इल्यूवेशन जो प्रक्रिया होती है यानी जो निक्षेपण होता है वो बी के अंदर होता है, इतना आपको ध्यान रखना। और बी में भी स्पेशली किसमें होता है, बी टू के अंदर होता है, मर्दा परछेदी का आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपने बात करें टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। देखो मैंने कल बात की थी कि चट्टानों से ज्यादा अपने कल अपने बात कर रहे थे भूपपड़ी के बाद, भूपपड़ी में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना था, और भूपपड़ी के बाद आज हमने बात की मर्दा परछेदिका की, मर्दा परछेदिका के साथ साथ मर्दा के संरचना की भी बात की। अब बात आती है मर्दा का एक बहुत ही सिंपल वर्गीकरण, एक बहुत ही साधारण सा वर्गीकरण। ठीक है, तो फटाफट पीछे वाला टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया, मर्दा संरचना और मर्दा परछेदिका आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए। भी समझ में आया तो आगे बढ़े, नहीं तो यहीं रुके रहते हैं। जी आया समझ में, है ना, मर्दा परछेदिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगभग क्या होता है, पक्का होता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा टॉप सॉइल और सब सॉइल यानी प्रस्थीय मर्दा और अवमर्दा, ये पर्सनल चैट में लग रहे हैं मानविंदर सिंह, श्यामा राम, ठीक है, यस 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 समझ में आया, मतलब मैं ठीक ठाक टीचर हूं, समझ में आ जाता है आप लोगों को, क्या बात, ठीक है, अभी तक तो सभी का जी सर आया है ना। क्या बात, कुछ बोल रहे हैं, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं ना, आदेश आ गया आपके। तो नेक्स्ट है टॉप सॉइल या सब सॉइल। टॉप सॉइल यानी ऊपर की मिट्टी, ऊपर की मिट्टी बोले तो प्रस्थीय मर्दा, ठीक है, और नीचे की मिट्टी को अपने क्या बोलेंगे, सब सॉइल। ऊपर की कितनी ऊपर की, नीचे की तो कितने नीचे की, जो सतह होती है उसके ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप सॉइल। और 15 सेंटीमीटर के बाद जितनी भी नीचे की मिट्टी आ जाती है वो सारी की सारी क्या है, सब सोयल है, यानी अवमर्दा है। अवमर्दा को आप क्या बोलेंगे, अधोमर्दा भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब सोयल भी बोलते हैं। ऊपर की मिट्टी को आप क्या बोलेंगे, ऊपर की मिट्टी को आप प्रस्थीय मर्दा बोल देंगे, ठीक है, उसके अलावा और क्या बोल देंगे, टॉप सॉइल बोल देंगे। उसके अलावा एक चीज और बोलते हैं, ये जो हल मैं बना रहा हूं इस हल को आप सभी लोग जानते होंगे, इसको देसी हल या इंडिजीनियस प्लाउ या फिर भारतीय हल कहा जाता है, और इसकी खोज है वो भारत में 2900 ईसा पूर्व हुई थी, है ना, इसलिए इसको भारतीय हल या फिर इंडिजीनियस प्लाउ कहा जाता है। जब ये खेत में चलता है तो ये 15 सेंटीमीटर की मिट्टी उठाता है, कितनी मिट्टी उठाता है, 15 सेंटीमीटर की मिट्टी को मतलब मैनिपुलेट करता है, उसमें फेर बदल करता है, इसलिए ये टॉप सॉइल है, इसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रो स्लाइस सॉइल, प्रो स्लाइस सॉइल, ठीक है, इसको प्रस्थीय मर्दा या टॉप सॉइल या फिर प्रो स्लाइस सॉइल भी बोल दिया जाता है। तो टॉप सॉइल के कई सारे नाम, और जो सब सॉइल है उसके दो नाम, अवमर्दा और अधोमर्दा, अंग्रेजी में सब सॉइल, ये आप अच्छे से याद रखिए। अब देखो इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको यहाँ साथ साथ में याद करवा देता, लेकिन फटाफट कमेंट करते जाना अगर आपको समझ में आती है। खेती कार्य किसमें होता है, टॉप सॉइल या सब सॉइल, फटाफट कमेंट करिए। खेती कार्य किसमें होता है, जी खेती कार्य होता है प्रस्थीय मर्दा के अंदर, सॉरी, खेती कार्य जो होता है
वो प्रस्थीय मृदा में होता है। कौन सी मृदा में होता है? प्रस्थीय मृदा में। हल बल चलते हैं। अधिकांश फसलों की जो जड़ें हैं वो 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ज्यादातर अपने फसलें लगाते हैं फील्ड क्रॉप, और फील्ड क्रॉप की जड़ें 15 सेंटीमीटर तक ही सीमित हो जाती है। तो अधिकांश जो फसलें होती है वो 15 सेंटीमीटर में ही होती है, 15 सेंटीमीटर में ही जड़ें जाती है, 15 सेंटीमीटर में ज्यादातर हल चलते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी किसकी होगी? प्रस्थीय मृदा की या अवमृदा की? अवमृदा में तो फाड़ा जाएगा नहीं, हल जाता ही नहीं है, ज्यादातर किसमें जाता है? प्रस्थीय मृदा में जाता है। तो कृष्ण क्रियाएं ज्यादा किसमें होती है? प्रस्थीय मृदा में। हलवल किसमें चलेंगे? भूपरिष्करण किसमें होगा? प्रस्थीय मृदा में, जिसमें क्या है जड़ें ज्यादा होगी या कृष्ण क्रियाएं ज्यादा होगी, और जिसमें भूपरिष्करण होगा वो मिट्टी भुरभुरी होगी। हम खाद भी किसमें देंगे? प्रस्थीय मृदा में। पत्ते वत्ते गिरेंगे वो भी किसमें गिरेंगे? प्रस्थीय मृदा में। यानी ये पत्ते वत्ते जो है या जो खाद है ये कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ किसका भोजन होता है? सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है। जहां भोजन होता है वहीं संख्या ज्यादा होती है। तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि किसमें ज्यादा होगी? फटाफट कमेंट करें, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि प्रस्थीय मृदा में ज्यादा होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। देखो ऊपर की 15 सेंटीमीटर मिट्टी है वही टॉप सॉइल है। अधिकांश कर्षण क्रियाएं, अधिकांश जो फसलें हैं फील्ड क्रॉप है, उनकी जड़ें किसमें रहने वाली है? प्रस्थीय मृदा में रहने वाली है। इसलिए कर्षण क्रियाएं भी किसमें करोगे? प्रस्थीय मृदा में। भूपरिष्करण भी किसमें करोगे? प्रस्थीय मृदा में। कार्बनिक पदार्थ भी ज्यादा किसमें होगा? प्रस्थीय मृदा में। चाहे हम ऐड करें चाहे पौधों का अपने आप गिर रहा है, प्रस्थीय मृदा में ज्यादा होगा। जहां कार्बनिक पदार्थ ज्यादा वहां सूक्ष्म जीव ज्यादा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी ज्यादा किसमें होती है? प्रस्थीय मृदा के अंदर ज्यादा होती है। हल चलते हैं, कार्बनिक पदार्थ डालते हो, जड़ें होती है, तो मिट्टी भुरभुरी ज्यादा कौन सी होगी? प्रस्थीय मृदा। जो भुरभुरी ज्यादा होगी उसमें रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होगा। रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा किसमें होता है? प्रस्थीय मृदा में। जिसमें रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होगा उसमें वायु विसरण दर ज्यादा होगी। वायु विसरण दर ज्यादा किसमें होगी? प्रस्थीय मृदा में ज्यादा होगी। जिसमें रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होता है उसमें जल धारण क्षमता भी ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता ज्यादा किसमें होगी? प्रस्थीय मृदा के अंदर सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है। बस यही प्रस्थीय मृदा टॉप सॉइल में याद रखना था, और आपको क्या याद रखना है? बड़ी सिंपल सी बात है। एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी लास्ट में बात करेंगे, पहले और अब अपने अवमर्दा की बात करें, जस्ट विपरीत बात करेंगे। इसमें कार्बनिक पदार्थ कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर लेस होती है। तो कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी क्या है? बहुत कम है। कार्बनिक पदार्थ कम है, हल वल इसमें चलता नहीं है, जड़े वगैरह इसमें कुछ ज्यादा जाती नहीं है, ये कठोर होती है, भुरभुरी कम होती है। कठोर मतलब सघन होती है, सघन मतलब इसका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। इसका जो घनत्व होता है वो जनरली क्या होता है? ज्यादा होता है। डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जो अवमर्दा दो मर्दा होती है वो सघन ज्यादा होती है, रंध्रावकाश प्रतिशत कम होता है, जल धारण क्षमता कम होती है, वायु विसरण दर कम होती है, कार्बनिक पदार्थ कम होता है, और खेती की दृष्टि से कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होने वाली मृदा बढ़िया होती है। तो बढ़िया कौन सी होगी? ज्यादा उर्वरक कौन सी होगी? प्रस्थीय होगी। कम उर्वरक कौन सी होगी? अवमर्दा या अधोमर्दा होगी। लेकिन मृदा संरचना किसकी अच्छी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। फटाफट लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत ढंग से ये टॉपिक करवा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन आपको समझ में आया है तो बताइए मृदा संरचना किसकी बढ़िया होगी, टॉप सॉइल की या फिर सब सॉइल की? टॉप सॉइल या फिर सब सॉइल की? किसकी? जो मतलब भौतिक दशा है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो अच्छी होगी। देखिए ऊपर वाली जो मिट्टी है उसका लगातार उपभोग हो रहा है, लगातार उसमें हल चल रहे हैं, लगातार उसमें खेती कर रहे हैं, संरचना उसकी बिगड़ चुकी है। नीचे की मिट्टी है वो वर्जिन सोयल है, बिल्कुल नई मिट्टी है, अभी इसकी जो संरचना पड़ी हुई है वो बढ़िया है। तो मर्दा संरचना बी की बढ़िया होती, बी की सॉरी अब मर्दा की या दो मर्दा की बढ़िया होती है, और उर्वरता होती है वो प्रस्थीय मर्दा की बढ़िया होती है, और जो भौतिक दशा होती है वो प्रस्थीय मर्दा की खराब होती है, और भौतिक दशा बढ़िया किसकी होती है? अवमर्दा या दो मर्दा। बाकी सारे गुण जो है वो टॉप सोयल के बढ़िया होते हैं, बट जो भौतिक दशा होती है वो सब सोयल की बढ़िया होती है, ध्यान रखिएगा। फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो प्रस्थीय मृदा कार्बनिक पदार्थ ज्यादा, उर्वर मान भी ज्यादा, रंध्रता प्रतिशत भुरभुरी भी ज्यादा, रंध्रता प्रतिशत भी ज्यादा, जल धारण क्षमता भी ज्यादा होती है। क्लियर है? याद रह जाएगा। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी ज्यादा। अधो मृदा में कार्बनिक पदार्थ कम, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी क्या होगी? कम होगी। जो भुरभुरापन है वो कम होगा, कठोर ज्यादा होगी, सघन ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगी, जिससे रंध्रावकाश प्रतिशत कम होगा, जिससे वायु विसरण दर कम होगी, जिससे जल धारण क्षमता कम होती है, ठीक है।
पारगम्यता पूछे तो भुरभुरी होती है उसकी पारगम्यता ज्यादा होती है, यानी पृष्ठीय मृदा की पारगम्यता ज्यादा होती है, और अवमृदा या दो मृदा की पारगम्यता होती है वो कम होती है। इसके अलावा और क्या पूछ लेगा, सब कुछ तो अपने बात कर लिए ना एग्जामिनर, और कुछ नहीं पूछ पाएगा, जितना पूछना चाहिए उतना हमने बता दिया। लेकिन जब बात आती है भौतिक दशा की तो भौतिक दशा अधोमर्दा की बढ़िया होती है, और जो प्रस्थीय मर्दा होती है उसकी भौतिक दशा कमजोर होती है। उर्वर प्रस्थीय ज्यादा होती है, अधोमर्दा होती है वो उर्वर कम होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उस पर गौर फरमाना क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। हमने क्या कहा, ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रस्थीय मर्दा। क्या बोलेंगे, प्रस्थीय मर्दा। देखो एक हेक्टर का मतलब होता है 100 मीटर ही लंबा 100 मीटर ही चौड़ा, यानी इसका क्षेत्रफल होता है 1 hectare = 10,000 meter square, यानी 10,000 meter square। आपसे पूछ ले एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन कितना है, एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन कितना है, एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन होता है 2.25 × 10^6 kg। एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन अच्छे से याद रख लो कितना होता है, 2.25 × 10^6 kg होता है। क्लियर है, एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन 2.25 × 10^6 kg होता है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, ये जनरली 2,250,000 kg। अगर हम सीधा किलो में कन्वर्ट करें, एक हेक्टर की 15 सेंटीमीटर यानी प्रस्थीय मर्दा का वजन 2,250,000 kg आ जाता है। टन में पूछ ले, क्विंटल में पूछ ले तो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो अगर क्विंटल में पूछ ले तो आप कितना बताओगे, 22,500 क्विंटल, क्योंकि एक क्विंटल के अंदर किलो कितना होता है, 100 kg होता है, तो इसको कितने से भाग दे दोगे आप, 100 से भाग दे दोगे। अगर टन में पूछ ले तो आप कितना बता दोगे, 2250 टन बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि एक क्विंटल में कितने टन होता है, 10, तो हम इसको कितने से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का, एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन 2.25 × 10^6 kg, अगर क्विंटल सॉरी किलो में बात करें तो 2,250,000 kg, अगर क्विंटल में बात करें तो 22,500 क्विंटल। ठीक है, ये देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन 2.25 × 10^6 kg, या फिर 2,250,000 kg, या फिर 22,500 क्विंटल, या फिर टन में बात करें तो 2,250 टन होता है। ज्यादातर जो वजन है वो टन में पूछा जा सकता है, या फिर हमने इसे को समीकरण टाइप लिख दिया है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करना है, मैंने क्या बोला, एक हेक्टर की प्रस्थीय मर्दा का वजन 2.25 × 10^6 kg होता है। कितना वजन होता है, 10^6 kg होता है। ठीक है, और टन के अंदर मैंने सीधा सा आपको बता दिया 2,250 टन होता है। एक हेक्टर की 15 सेंटीमीटर मर्दा का वजन आपके सामने है, मैंने इसको सोल्व करके भी आपको बता दिया। क्वेश्चन सिंपल सा आता है, एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा, एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा का वजन कितना होगा, एक हेक्टर की ऊपर की 15 सेंटीमीटर मर्दा का वजन तो है 2,250 टन, टन में अगर बात करें तो अपने, तो इसने क्या पूछा है, एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा का वजन कितना होगा। देखो 15 सेंटीमीटर का है 2,250, तो 1 सेंटीमीटर की मर्दा का वजन कितना होगा, 15 से आप इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 टन। एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा का वजन 150 टन होता है, इस लाइन को अच्छे से याद रख लीजिए, एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा का वजन 150 टन होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि 2 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मर्दा का वजन कितना होगा। अब चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको एक की यूनिट का पता है, एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा का वजन कितना है, 150 टन, तो एक हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मर्दा का वजन कितना हो जाएगा, 150 को आप क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मर्दा का वजन, एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर का 150, एक हेक्टर की 5 सेंटीमीटर का गुणा 5 कर दो और 2 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मर्दा का वजन ये हो जाएगा, तो ये लगभग अपना कितना आ जाएगा, 1500,
कितना टन आ जाएगा, जनरली 1500 टन इसका आंसर आ जाएगा। दो हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मर्दा का जो वजन होता है वो जनरली 1500 टन होता है। तो इस तरह से आपको जनरली क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ये दो चीज तो आपको याद रखनी है, तीसरी आप ये याद रख लो, एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा का वजन 150 टन होता है। एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मर्दा का वजन 150 टन होता है। क्लियर है ये, मैं छोड़, चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर बात करते हैं। जितने मैंने आपको टॉपिक कराए हैं, मर्दा संरचना करवा दिया, मर्दा प्रच्छेदिका करवा दिया, और प्रस्थीय मर्दा और अवमर्दा करवा दिया, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन अपने फटाफट यहां पे देखते हैं। तो जितने भी लोग हैं फटाफट लाइव हो जाइए। ये कई लोग जो पर्सनल चैट कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं पढ़ा, इधर देखिए। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो एंड तक आप स्टॉप बने हुए हैं, है ना, या फिर कोई दूसरे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी यूपीपीएससी या कोई अदर एग्जाम है तो बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इसी पर विशेष रूप से ध्यान देना है, औरों पर ध्यान नहीं देना है, चैटिंग वेटिंग का टाइम बहुत मिल जाता है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक्सप्लेन तो हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए हम आंसर पे चलेंगे। फटाफट आंसर देना है, मर्दा के कुल आयतन का वायु प्रतिशत होता है, पहला क्वेश्चन आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, मर्दा के कुल आयतन का जल प्रतिशत होता है, एक नंबर क्वेश्चन लिख के आंसर, दो नंबर लिख के क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दीजिए। मर्दा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत होता है, तीनों का आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, विजय चौधरी, राजवीर दिनवा, अनविथ, कृष्णा वर्मा, जयदीप, राजवीर, साक्षी ढाका, साक्षी तरण, श्रीराम यादव, हनुमानगढ़ वाले, महेश डामर, साक्षी, साहिल थ्योरी, पंकज कुमार, एक भाई यो यो हनी सिंह भी है ना, यो यो हनी सिंह भी अपनी क्लास देख रहा है, ध्यान रखना भी। देखिए, मर्दा में कुल आयतन का वायु का प्रतिशत होता है 25, पहले का राइट आंसर सी, मर्दा में कुल आयतन के जल का प्रतिशत होता है ये भी 25, दूसरे का भी सी, मर्दा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत होता है ये होता है 45, इसका कौन सा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मैच कर लो किसका क्या है, सही है या गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मर्दा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत कितना होगा, मर्दा के कुल कार्बनिक प्रतिशत में से ह्यूमस प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन स्क्रीन पे फटाफट आंसर दीजिए फटाफट। क्या बात, आंसर ठीक आ रहा है, पूजा जा आंसर ठीक है, अनिशा बिश्नोई ठीक है आंसर, विक्रम मीणा ठीक है, शानदार आंसर, राजेंद्र कुमार ठीक आंसर, कालू हुड्डा ठीक है आंसर। देखिए, मर्दा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत 5 होता है, चौथे का ए ऑप्शन राइट। कुल कार्बनिक पदार्थ में से अकेला ह्यूमस कितना होता है, अकेला ह्यूमस होता है 80%, इसका राइट आंसर होगा डी। और जो कार्बनिक पदार्थ होता है या फिर जो ह्यूमस होता है इसके अंदर अगर प्योर कार्बन कार्बन देखें तो अकेला जो कार्बन होता है वो 58% होता है, अकेला जो कार्बन होता है वो 58% होता है। ठीक है, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें रेसे भी है, दूसरे नाइट्रोजन फास्फोरस ये पोषक तत्व भी है, अकेला प्योर कार्बन कितना होता है, ह्यूमस के अंदर प्योर कार्बन या फिर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर प्योर कार्बन कितना होता है, उस प्योर कार्बनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, क्या कार्बनिक कार्बन बोला जाता है, ओस्ती बोला जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ में से अगर प्योर कार्बन निकाले तो कितना होता है 58%, ये भी आपको याद रखना है। यानी 100 किलो कार्बनिक पदार्थ होगा उसमें कार्बन कार्बन निकालने जाओगे तो आपको कितना कार्बन मिल जाता है, 58% कार्बन मिल जाता है। नेक्स्ट अगले चार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर आप आंसर देना। छठा क्वेश्चन है, मर्दा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं, मर्दा के किस संस्तर को पेत्रक संस्तर कहते हैं,
मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉइल संस्तर कहते हैं, मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल संस्तर कहा जाता है। फटाफट आंसर कीजिए। कृष्ण मीना राइट आंसर, सरस्वती नोखवाल ठीक है, नवीन पटेल शानदार, कनिष्ठा सिंह ठीक है, राजेंद्र कुमार सही आंसर, जयदीप सिंह ठीक है, विजय चौधरी, मोनू सुथार, विजय लोधा, अच्छी कुमावत, मनीष शर्मा शाबाश। देखिए मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहा जाता है, ओ संस्तर को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए। मृदा के किस संस्तर को पेत्रक संस्तर कहा जाता है, सी को ही कहा जाता है, और ऑप्शन भी हमने इसको सी में ही रखा है। मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉइल संस्तर कहा जाता है, ए संस्तर को, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। और उसके अलावा मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल संस्तर कहा जाता है, बी संस्तर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसका सी राइट होगा। फटाफट मैच करिए, आपके आंसर सही आ रहे हैं क्या, फटाफट मैच करिए आंसर के साथ। नेक्स्ट 10 नंबर, कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर, कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है इस स्लाइड में, वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है। 12वां क्वेश्चन है एल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है इल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिए। विक्रम मीणा ठीक है, साक्षी ढाका ठीक है, उमेश शर्मा ठीक है, जोनू स्टूडियो ठीक है, फन विथ ये भी ठीक है, जयदीप, उमेश शर्मा, प्रमोद, भूमिका, पूजा, विपिन, हिमांशु, विजय, सुनील, रामेश्वर, प्रमोद, निहारिका, आरती ठीक है, आंसर सही आ रहा है। देखो कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर, कृषिगत मृदा में ओ तो अनुपस्थित होता है, फिर कौन सा आएगा, ए है, वो इसका राइट आंसर है, यानी ए संस्तर सबसे ऊपर होता है। वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है, ओ संस्तर होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखिए संस्तर ए है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। 11वें का देखिए आप, वनों वाली भूमि में ऊपरी संस्तर कौन सा होता है, ओ संस्तर होता है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। एल्यूवेशन संस्तर किसे कहा जाता है, एल्यूवेशन संस्तर ए2 को कहा जाता है, और ए2 का दूसरा नाम ईबी होता है। तो 12वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। इल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं, इल्यूवेशन संस्तर जो होता है वो जनरली बी2 को कहा जाता है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन है। ये सारे के सारे मैंने पीछे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, बढ़िया इसको मैच करते जाइए फटाफट। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है इस स्लाइड पे, तीन क्वेश्चन है, पहला 14 नंबर क्वेश्चन, मृदा के किस संस्तर में पूर्णतया अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, कंप्लीटली डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर किसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बनिक पदार्थ विहीन संस्तर है, कार्बनिक पदार्थ विहीन संस्तर है। और तीसरा क्वेश्चन है मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को कहा जाता है। तो फटाफट आंसर कीजिए। विपिन कुमार ठीक आंसर, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ठीक आंसर, जसवंत ठीक आंसर, हनुमानगढ़ वालों के आंसर भी ठीक है, नवीन पटेल ठीक आंसर, जयदीप, निहारिका पांडे ठीक आंसर, सुमन कड़ेला ठीक आंसर, मोनू सुतार ठीक आंसर, सालू हुड्डा ठीक आंसर। देखो मृदा के किस संस्तर में पूर्णतया अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, ए संस्तर में, इसका राइट ऑप्शन क्या है यहां पर, बी। कार्बनिक पदार्थ विहीन संस्तर मैंने बताया था, बी में कार्बनिक पदार्थ नहीं पहुंचता है, तो बी संस्तर कार्बनिक पदार्थ विहीन बोला जाता है, ऑप्शन इसका ए राइट है। मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत, पृष्ठीय मृदा भी बोलते हैं कोई डाउट नहीं है, टॉप सॉइल ये भी बोलते हैं कोई डाउट नहीं है, क्रोसलाइज सॉइल भी बोलते हैं कोई डाउट नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सारे ऑप्शन एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्यों, पीछे सारा हमने डिस्कस किया ही है, तो मैच कर लीजिए आंसर फटाफट। नेक्स्ट है, एक हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है, 18 नंबर, एक हेक्टर की एक सेंटीमीटर मृदा का वजन होता है, 19 नंबर, सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं, 20 नंबर, रिगोलित कौन से संस्तर को कहा जाता है, फटाफट उत्तर कीजिए।
देखिए कृष्ण वर्मा ठीक है, विवेक मिश्रा आंसर ठीक है आपका, सारे आंसर एक साथ भी दे सकते हैं आप, नवीन पटेल, बुद्धि प्रकाश सैनी, विवेक मिश्रा, राजेंद्र कुमार, राजीव रीणवा, साक्षी तरड, मोनू सुतार, मुकेश, विपिन ठीक है। एक हेक्टर की प्रस्थीय मृदा का वजन होता है 2.25 × 10⁶ किलो, यानी ये बी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पे बी ऑप्शन वाला आंसर राइट है। एक हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेट करके बताया था 150 टन होता है, 18 नंबर का सी ऑप्शन राइट है। सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं, जहां मिट्टी मिट्टी होती है ना, ए प्लस बी को कहा जाता है, जहां चट्टाने नहीं होती सिर्फ मृदा होती है ना, तो ए प्लस बी को कहते हैं। 19 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। रिगोलित कौन से संस्तर को कहते हैं, जी रिगोलित जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी है ना, हालांकि यहाँ पे अगर ऐसा होता सोलम प्लस सी तो बी सही होता मैंने कहा था, लेकिन बी ऑप्शन सोलम प्लस बी दे दिया ना, इसलिए बी सही नहीं है, सी ऑप्शन है वो ही सही है। 20वें का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो ये जो टॉपिक थे इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, अब ये आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए ठीक है। तो आपको क्लास अच्छे से पसंद आई है तो लाइक में कंजूसी ना करें, कल सेम ही पैटर्न से क्लास होनी है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। उसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो वेब एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स दिया हुआ है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.onlineagriculture.org उस पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कोर्स है वो उसके अंदर जो हिंदी और जीके का जो पार्ट है वो संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर द्वारा करवाया जाता है, और इसमें एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर यानी हमारे द्वारा करवाया जाता है। तो आप जल्दी कोर्स करना चाहते हैं और एक वेल मैनेज कोर्स चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे आज ही विजिट कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। कल सेमी शेड्यूल रहने वाला है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।